आलसी स्लग कहीं के। तुम्हें बार बार हराना अच्छा लगता है डॉक्टर ब्लैक, पर क्या तुम हार कर थक नहीं जाते? बहुत ज्यादा, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम मुझे मुकाबले में हरा दोगे? मुझे तो यकीन है। शांत रहो बर्पी, तुम्हें भी मौका मिलेगा। तुम मुझे बताओगे यहाँ क्या हो रहा है या मैं गेस कर लूं? दिमाग पर जोर मत डालो विल्शेन, मैं दिखा देता हूँ। क्या वो एक स्लग है? ब्लैक, तुमने उसके साथ क्या किया है? मैंने इसे ठीक किया है और बेहतर बनाया है, इतना बेहतर कि ये तुम्हें भी हरा दे। इतनी ताकत मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, स्लग से छेड़खानी। तुम पूरे स्लग टेरा को बर्बाद कर दोगे। ब्लैक, इसे रोको, तुम्हें इसे रोकना होगा। ब्लैक, 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 मेरे बेटे को ढूंढो, ईलाई को ढूंढो, उसे वो चिट्ठी दो, जाओ। बर्पी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डैड ने भेजा है ना? प्यारे इलाय, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है अब मैं इस दुनिया में नहीं रहा। ये एक शैन होने के कई खतरों में से एक है, ऐसा खतरा जिसका एक दिन तुम भी सामना करोगे अगर तुम मेरे नक्शे कदम पर चलते हो तो। शैन परिवार के कई लोगों ने स्लगटेरा की रक्षा में अपनी जान दी है, अगर तुम जाने का फैसला करते हो तो हमारी डील याद रखना। 15 साल होने के बाद मैंने स्लगटेरा के अपने सारे एडवेंचर्स बता दिए हैं, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। वहाँ नीचे जाना तो आसान है, वापस ऊपर आना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर तुम वहाँ गए तो तब तक ऊपर वापस नहीं आ पाओगे जब तक तुम वापस आने का राज न जान लो। हमने हमेशा तुम्हारे नीचे जाने के सफर को एक साथ करने की बात की थी, पर अब ये काम तुम्हें अकेले ही करना है। मैंने तुम्हें स्लगटेरा के बारे में बहुत कुछ बताया, पर वहाँ तुम्हें कई और भी चीज़ों का सामना करना होगा। तुम पृथ्वी की सतह से करीब 100 मील नीचे तक का सफर करोगे, जहाँ अब तक सिर्फ कुछ ही लोग जा पाए हैं। तुम कैरिज में बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, बस कसकर पकड़े रहना। तैयार बर्पी? स्लगटेरा, जमीन के नीचे बसी दुनिया, आखिर मैं यहां आ गया। जब तुम स्लगटेरा पहुंचोगे तो तुम्हें ड्रॉप के पास एक शैन हाइडआउट दिखेगा। नए घर में जाने के लिए तैयार हो बर्पी? काफी गंदा हुआ पड़ा है, वहां तुम्हें अपनी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी।
नए कपड़े पहनने का वक्त हो गया है लड़की। सर्विस बे में तुम्हारा अपना मशीनी दानों तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक्स डैड, पर मुझे लगा था मेरा मशीनी दानों इससे बेहतर होगा। क्या बात है, LKE मॉडल। आज से मैं तुम्हें लक बुलाऊंगा। मैं हमेशा से ही यहाँ कुछ एक्स्ट्रा ब्लास्टर्स रखता हूँ, पर तुम्हें अपने लिए स्लग्स ढूंढने होंगे। ये तुम्हारा सबसे जरूरी काम होगा ईलाय। यहाँ का हर काम स्लग्स के भरोसे ही होता है। तुम ये सीखोगे कि वो सिर्फ गोला बारूद नहीं है। प्लीज गोली मत चलाना। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? सवाल ये है कि तुम कौन हो? पहले मैंने पूछा है और ब्लास्टर मेरे हाथों में है। तुम तो मेरे जितने ही होशियार हो दोस्त। प्रॉन्टो खिदमत में हाजिर है। मैं हूँ एक ट्रैकर, एक एक्सप्लोरर, टैलेंट से भरा मोलोनॉइड। डैड ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया। डैड, तुम विल शेन के बेटे हो? अच्छा देखो, मुझे जरा अच्छे से समझने का मौका दो। ठीक है, मैं कभी विल शेन से नहीं मिला, पर अगर मिला होता तो वो यकीनन ही मुझे अपनी टीम में शामिल करने के लिए पीछे पड़ जाते, जैसे तुम पड़ोगे। एक शेन के पास अपने एडवेंचर्स के लिए एक ट्रैकर तो होना ही चाहिए ना। डैड ने ट्रैकर की जरूरत होने का भी जिक्र नहीं किया था। मेरा सुंदर सपना टूट गया। हो सकता है कि हमारी मुलाकात दोबारा हो अगर तुम कभी लॉक रॉक केव्स के पास से गुजरो या फिर नॉर्दर्न कैवर्न के पास कहीं फंस जाओ तो। शायद मुझे एक ट्रैकर की जरूरत पड़ सकती है। वाह वाह, तुमने बड़ी समझदारी का फैसला किया है नन्हे शेन। मेरा नाम ईलाय है। अच्छा नाम है, बोलने में आसान। देखना नन्हे ईलाय, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। गुड, क्योंकि अगर मुझे बुराई से लड़ना है तो हमारा पहला मिशन कुछ स्लग्स पकड़ना होगा। वैसे एक शेन होने के नाते तुम्हारे पास तो बहुत बढ़िया स्लग्स की सेना होगी। हाँ हाँ, तुम बहुत ही अच्छे हो, पर बाकी स्लग्स कहाँ हैं? मेरे पास यही है, पर बर्फी कुछ कम नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ एक स्लग है? तुम्हें मुकाबले में कुछ अनुभवी स्लग्स जीतने होंगे और मुझे पता है वो हमें कहाँ मिलेंगे। ये एक छोटा सा लोकल टूर्नामेंट है, एक शेन के लिए तो यहाँ जीतना बहुत आसान होगा। किसका इंतजार कर रहे हो? हमें जाकर स्लग्स जीतने हैं। जाने से पहले मुझे बस एक चीज करनी है। मुझे कब से इस पल का इंतजार था? किस पल का इंतजार था? एक स्लग को ब्लास्टर से शूट करने का? हाँ, तैयार हो बर्फी? एक इन्फर्ना स्लग। वाह, बहुत अच्छे बर्फी। तो इसे स्टार्ट कैसे करते हैं? फ्लेरिंगोस का झुंड, उन्हें देखो बर्फी। तुम अपने स्लग्स को नाम देते हो? तुम नहीं देते? बस कर शैतान, ये भी एक नाम ही है। पता है, मेरी नजर बहुत ही तेज है और तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ के कई आम बातों से भी अनजान हो। मैं शेन परिवार के सबसे सीक्रेट हाइडआउट में बड़ा हुआ, यहाँ से काफी दूर। सिर्फ शेन उसके बारे में जानते हैं। हाँ ठीक है, शेन परिवार के कई राज हैं, पर उनमें सबसे बड़ा राज है वो जगह जहाँ से तुम आए हो। किसी को भी ऊपर की दुनिया का पता नहीं चलना चाहिए ईलाय। दोनों तरफ काफी खतरे हैं, इन दोनों दुनियाओं का अलग रहना ही अच्छा है। वहाँ क्या हो रहा है प्रॉन्टो? नजरें घुमा लो और आगे बढ़ते रहो। लगता है उसे हमारी मदद की जरूरत है। शांति बनाए रखने के लिए शेन परिवार नहीं है, ये स्लग टेरा की गुफाएं हैं। अब कैसे कहूँ, ये जगह रहने लायक नहीं है। पर अब यहाँ एक शेन आ गया है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि एक असली हीरो बेकार के मामलों में दखल नहीं देता। तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम तो एकदम कड़के निकले। यहाँ से चले जाओ। ये रास्ता मेरे इलाके में आता है। तुम विल शेन नहीं हो कि मैं तुम्हारे कहने से रुक जाऊंगा। वो मेरे डैड थे, मैं उनका अधूरा काम पूरा करने आया हूँ। क्या सच कह रहे हो? विल शेन को देखकर ही डर लगता था। तुम तो बस एक बच्चे हो,
और मैं वो बच्चा हूँ जिसके हाथ में एक ब्लास्टर है। क्या मुझे आजमाना चाहोगे? मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। थैंक्स प्रॉन्टो। कौन प्रॉन्टो? ये तो मैंने किया। देखो ये रास्ते इन जैसे बदमाशों से भरे पड़े हैं। तुम्हें संभल कर रहना चाहिए। रुको, तुम कौन हो? तुम यहाँ हो, तुमने अपना काम करना भी शुरू कर दिया। इस रास्ते से दूर रहना। सिर्फ एक ब्लास्टर और एक मोलेनॉइड के साथ तुम एक शेन नहीं बन सकते बच्चे। मुझे लगा शेन परिवार से होना इज्जत की बात है, पर उसने तो मेरा मजाक उड़ाया। अगर इज्जत चाहिए तो वो तुम्हें लड़ाई के मैदान में कमानी होगी, बिल्कुल मेरी तरह। अगर तुम टूर्नामेंट जीत गए तो सब ये जान जाएंगे कि एक शेन बेगुनाहों की हिफाजत करने लौट आया है। और अगर मैं नहीं जीता तो? तो यहाँ बुराई का राज कायम रहेगा और तुम पर बेवकूफ होने का ठप्पा लग जाएगा। पर ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हारे हारने का कोई चांस ही नहीं। शेन, जरा ये देखो, ये लड़का खुद को एक शेन समझता है। तुम्हें क्वालिफायर में सबसे आखिरी जगह मिली है, गुड लक, तुम्हें इसकी जरूरत होगी। क्वालिफायर? टूर्नामेंट में जाने के लिए छोटा सा ड्यूल, घबराने की बात नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे तो पहली बार ड्यूल करने में मजा आएगा। क्या तुमने कभी ड्यूल नहीं किया है? पर तुम एक शेन हो। ये एक लंबी कहानी है और मुझे नहीं लगता हमें बाकियों के सामने इसके बारे में बात करनी चाहिए, है ना? हाँ, नहीं करना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए अभी एक स्पेयरिंग पार्टनर ढूंढना होगा, बस अभी आया। एक्सक्यूज मी, तुम बीच में आ रहे हो। हे, तुम तो वही हो। एक बार फिर से थैंक्स, तुमने मेरी तुम्हारी जान बचाई। ये बात अपने तक रहेगी। तुम्हारा बड़प्पन है, मैं हूँ ईलाय। ट्रिक्सी, तुमने उस आदमी से कहा कि तुम एक शेन हो, क्या ये सच है? हाँ, मैं तो बस यहाँ कुछ स्लग्स जीतने आया, जिसके बाद मैं जाकर बुराई से लड़ूंगा और ऐसा ही कुछ। ये कैमरा किस लिए? कॉम्पिटिशन को रिकॉर्ड कर रही हूँ, शायद यहाँ से मुझे अपने लिए नई तरकीबें मिल जाए। वो कौन है? जॉन बॉय। अगर ये टूर्नामेंट जीतना है तो उसे हराना ही होगा। अब तक मुझे उसकी कोई कमजोरी नहीं मिली सिवाय इसके कि वो एक नंबर का भोंदू है। तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी है? हाँ, मेरा दोस्त मेरे लिए एक स्पारिंग पार्टनर ढूंढने गया है, पर चाहो तो तुम भी। और ट्रिक्स तुम्हें सिखा दूं? नो थैंक्स, मैं तो तुम्हें देखकर तुम्हारी ट्रिक्स सीखना चाहूंगी। वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त ने किसी को ढूंढ लिया है। इलाई शेन, ये है कॉड ज़ेन। तो क्या ख्याल है? मुझे लगता है ये काफी दर्दनाक होगा। तुमने कहा था मेरा मुकाबला शेन से होगा, ये तो सिर्फ एक बच्चा है। तुम एक केव ट्रोल हो। सोचने दो, तुम भी मुझसे मुकाबला नहीं करना चाहते। पागल हो क्या? मैं हमेशा से एक केव ट्रोल से मिलना चाहता था। एक केव ट्रोल से ज्यादा वफादार, ईमानदार और बहादुर और कोई नहीं होता, डैड बताते थे। लगता है उन्होंने मोलेनॉइड्स के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया था। विल शेन ऐसा कहते थे, एक झप्पी हो जाए दो। तो इसका मतलब हम ड्यूल कर रहे हैं? जिसे चाहे चुन लो। फ्लॉपर्स? बढ़िया। बिल्कुल भी नहीं, फ्लॉपर्स किसी काम के नहीं होते। हर स्लग काम का होता है। तो तुम ड्यूलिंग के बारे में क्या जानते हो? इसमें जानना क्या है, पहले अपना स्लग चुनो, फिर उसे स्लिंग करो, फिर 100 माइल्स एन आर पर पहुंचते ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तब तक करो जब तक ओपोनेंट हार ना मान ले। ये सब डैड ने बताया है। हाँ, पर बताने और लड़ने में फर्क है। इस कॉम्पिटिशन में जीतने पर तुम अपने ओपोनेंट का एक स्लग ले सकते हो। इसका मतलब अगर तुम कोई भी मैच हारे, ये क्वालिफायर भी तो। मैं बर्पी को खो सकता हूँ। क्या तुम सच में इसे दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, है ना? नहीं, ड्यूल हो जाए। ये गलत है, मैं तैयार नहीं था। तुम्हें हमेशा तैयार रहना चाहिए, ड्यूल हो जाए। एक तरफ खड़े रहो, इससे तुम्हें मारना मुश्किल होगा। तुम अपने कंपटीशन की मदद कर रही हो? कमाल है, ये खुद को कंपटीशन समझता है। ड्यूल।
बहुत अच्छे दोस्त। हमेशा अपने ओपोनेंट पर निशाना मत साधो, कुछ ऐसा करो जिससे माहौल बिगड़ जाए। तुम्हारा मतलब इस तरह? लगता है अब तुम्हें समझ में आने लगा है। यही वो इलाई शेन है जिसे मैं सालों से जानता था। ये और बात है कि हम आज ही मिले हैं। अच्छी चाल थी और ये था मेरा कमाल का फ्लैटू लोरिंकस। तुमने अब तक किसी ड्यूल में हिस्सा क्यों नहीं लिया? मैंने अपने डैड से वादा किया था 15 साल का होने तक मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसका मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है? कल था। तुम्हें देखकर मुझे अच्छा लग रहा है इलाय। भले ही तुम में हुनर की कमी है पर बहादुरी की कोई कमी नहीं। तुम्हें लगता है मैं तैयार हूँ? बिल्कुल। शायद नहीं। डरो नहीं, तुम ही जीतोगे। मुझे तो उस बेचारे पर तरस आ रहा है जिसका मुकाबला तुमसे होगा। मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारे ओपोनेंट पर तरस आ रहा है। मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, तुम्हारा मुकाबला है शॉक वायर से। अभी हार मानने के लिए देर नहीं हुई है शेन। वो बहुत ताकतवर है। दोस्तों, वो इतना भी ताकतवर नहीं लगता। तुम क्या कहते हो बर्फी? वो सिर्फ टेजलिंग्स का इस्तेमाल करता है और अगर मेरी बात मानो तो उसे बस एक ही ट्रिक आती है। कमाल की ट्रिक। वैसे मेरे पास भी अपनी कुछ ट्रिक्स हैं। सच में? बिल्कुल। तुम कुछ ट्रिक्स जानते हो ना? देखो, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है। वो तो उन टारगेट्स का कचुंबर बना रहा है। पता है टेजलिंग्स काफी मजबूत स्लग्स होते हैं, पर ओवरलोड होने पर वो कभी कभी मिसफायर करते हैं। क्या सच में? मुझे पता चला है तुम एक शेन हो। सही पता चला है। और तुम्हारे पास एक फेरिंगो और कुछ फ्लॉपर्स हैं, है ना? हाँ। तुम पागल हो, बुद्धू हो या फिर दोनों हो? और कोई चॉइसेस नहीं है क्या? ड्यूल हो जाए। अभी नहीं बर्फी, तुम्हें अपना चांस मिलेगा। जल्दी करो। वो अपने इन्फर्नास का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? फ्लॉपर्स का इस्तेमाल करके तुम कभी नहीं जीत पाओगे। नहीं रुको, मैं समझ गई वो क्या कर रहा है। हारने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे, थोड़ी देर और। वो टेजलिंग के मिसफायर करने का इंतजार कर रहा था। ठीक है बर्फी, जाओ। बंद करो, बंद करो। मैं हार गया, तुम जीते। विनर मिल गया। इस ड्यूल का विनर है इलाय शेन। बर्फी, जीत गए। शाबाश, कंग्रेचुलेशंस गाइस। मतलब तुम सच में एक शेन हो। शॉक वायर, आकर इसका इनाम दो। आ रहा हूँ, लो चुन लो। इसके पास काफी अच्छे स्लग्स हैं इलाय, जरा सोच समझ कर चुनना। नहीं कॉड, इससे अच्छा आइडिया है। तुम तीनों में से कौन मेरे साथ आना चाहता है? मैं एक शेन हूँ और जैसे ही ये कॉम्पिटिशन खत्म होगा तुम मेरे साथ नए नए एडवेंचर्स पर चल पाओगे। क्या तुम स्लग्स की मर्जी पूछ रहे हो? ऐसा तो कोई नहीं करता। तुम्हारा स्वागत है छोटे दोस्त।
क्या मैं तुम्हें ज्वेल्स बुला सकता हूँ? यह है बर्फी। तुम अच्छे हो, पर क्योंकि तुम कंपटीशन में हो। ये मत समझना कि हम तुम पर कोई एहसान कर रहे हैं, हम सब यहाँ जीतने आए हैं। तुम सब तैयार हो जाओ, राउंड वन आज रात होने वाला है स्कोज स्पार्क्स कैवन में, और तुम्हारा मुकाबला होगा उनसे। मेरा नाम है ईलाई शेख और कल मेरा स्लगटेरा में पहला दिन था। यहाँ तक आना इतना मुश्किल नहीं था, ड्यूअल हो जाए। यहाँ नीचे जिंदा रहने के लिए हमें स्लग स्लिंग्स करने पड़ते हैं। कुछ नए दोस्त मुझे एक टूर्नामेंट में ले गए ताकि मैं अपनी जरूरत के स्लग्स हासिल कर सकूं। सब तैयार हो जाओ, आज रात राउंड वन होगा स्कोच स्पार्क्स कैबिन में। अब बस मुझे जीतते जाना है। थैंक्स प्रॉन्टो। हाँ, ये सफर इतना आसान नहीं है। हाँ, मैं मरते मरते बचा, वो भी चार बार। वो तो पहली बार में ही गिर जाते। शुक्र मानो कि मैं तुम्हारे साथ था। लो, हम आ गए टूर्नामेंट के पहले राउंड में। आप सब कूल। तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई? पिघला हुआ लावा, नुकीली चट्टाने और एक धीमे मोलेनॉइड की वजह से हमें देर हो गई। मैं तो तुमसे आगे था ना। तुम सीधे रास्ते से क्यों नहीं आए? क्या रास्ता? प्रॉन्टो के साथ होते हुए तुम्हें रास्तों की जरूरत नहीं है। मैं तो बस तुम्हें मुसीबतों से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था। जरूरी यह है कि तुम यहाँ पहुंच गए। सवाल यह है कि तुम्हारा पहला ड्यूल किसके साथ है? संभल कर लड़ना, यहां बचना आसान नहीं। मेरे करीब रहना, ये लावा लेक्स तुम्हें जलाकर खाक कर सकते हैं। ओके, ये काफी डरावना था, पर साथ ही उतना ही कमाल का। उन्होंने पहले राउंड के लिए सबसे खतरनाक गुफा चुनी है क्या? पागल मत बनो, टूर्नामेंट के हर एक राउंड को अलग अलग कैवर्न स्पॉन्सर करता है। सबसे खतरनाक गुफाएं तो आखिरी राउंड में होंगी। एक कॉर्ड सब ऐसे खड़े क्यों है? क्या हमें मुकाबले की तैयारी नहीं करनी चाहिए? यही तो बात है, वो आखिरी पल ही बताते हैं कि मुकाबला किससे है और किस तरह का है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं शार्प शूटिंग कॉन्टेस्ट की तैयारी करूं या एक मेका बैक ड्यूल की। कुछ भी हो सकता है, मुझ पर छोड़ दो। मैं अपनी राज उगलवाने वाली कला से सब पता लगाकर अभी आता हूं। अटेंशन, टूर्नामेंट का पहला राउंड होगा वन ऑन वन ड्यूल्स। सुनो, यहां वन ऑन वन ड्यूल्स होंगे। बताने के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, मैं जिताने के लिए कुछ भी करूंगा मेरे दोस्त। बर्फी। बता नहीं सकते थे तुम्हें गर्म लावा से कुछ नहीं होता? अब तुम्हारी खैर नहीं, सबसे अच्छा वाला मैंने आखिर के लिए रखा था।
और मैंने भी। विनर एलाय शेन जीत गया है, अपना स्लग चुनो मिस्टर शेन। मुझे पता है तुम कौन सा चुनोगे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। प्रेशियस लग अच्छा है पर मैं इसे नहीं ले सकता। मैं जानता हूँ मुझे कितना बुरा लगेगा अगर किसी ने बर्फी को मुझसे ले लिया। तुम्हें कार्मा शेल्ट हो, मुझे बुराई से लड़ते वक्त एक कैनन बॉलर की तो जरूरत पड़ेगी, तो क्या ख्याल है? आज से तुम्हारा नाम होगा बैंगर। तुम्हें नाम अच्छा लगा? तो मेरा पहला असली मैच इतना बुरा नहीं था। प्रॉन्टो प्रॉन्टो। हे, तुम यहाँ हो? हाँ मैं यहाँ हूँ, पर ये मत समझना कि मैं तुम्हें हारता हुआ छोड़कर आ गया। पर तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रहा है कि तुम जीत गए हो। चलो अब अगले मुकाबले पर ध्यान देते हैं। विनर, इस मैच का विनर है जॉन बुल। कंग्रेचुलेशंस, मैं भी जीता हूं। मैं तुम्हें नहीं जानता, हटो। मैंने तुम्हें बताया कि मुझे तुम्हारी जीत की कितनी खुशी है। अगला मुकाबला है द किंग ऑफ स्लिंग और ट्रिक्सी स्टिंग के बीच। अब चलो अपना सर झुकाओ द किंग ऑफ स्लिंग के सामने। बातें कम काम ज्यादा। मेरा सर झुकाने चले थे, खुद ही देख लो किसका सर झुका। विनर ट्रिक्सी स्टिंग। बढ़िया, पर लगता है सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही। सही कहा, तुम्हें देखना चाहिए था कि मैंने उसे कैसे हराया। डॉक्टर ब्लैक। मॉरिस, कितनी बार कहा है कि काम के वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। स्लग स्लिंगिंग टूर्नामेंट की बात है, मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? वो शेन लड़का, वो अब तक आउट नहीं हुआ। मेरे खबरी ने बताया है कि वो काफी अच्छा खेलता है, वो हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। 10 साल बाद शायद। पर क्या आप अब भी चाहते हैं कि मैं उस पर नजर रखूं? जाओ। मैं जवाब समझ गया। दोस्तों और तेज, अभी तो हम रॉक लॉक कैवर्न के आधे रास्ते पहुंचे हैं और अगले राउंड के शुरू होने में अभी 1 घंटा भी नहीं बचा। हे, मैं तुमसे पूछना चाहता था, क्या केव ट्रोल्स बहुत अच्छे इंजीनियर्स होते हैं? मैं खुद अपनी तारीफ कैसे करूं? तुम एक स्लग स्लिंगर क्यों बने? मेरा परिवार चाहता था कि मैं फैमिली बिजनेस संभालूं। आज के कई पैसेज वेज मेरे लोगों ने ही बनाए थे, पर पत्थर तोड़ने से ज्यादा मजा स्लग स्लिंगिंग में ही आता है। सही कहा, मैं एक बहुत ही बेहतरीन मोलेनॉइड एक्सप्लोरर्स के परिवार से हूँ। तुम्हारा क्या ट्रिक्सी? कहने जैसा कुछ है नहीं, मैं बदमाशों को अपने इलाके में आकर सबको परेशान करते हुए देखकर तंग आ गई थी। बिना शेन परिवार के किसी को कुछ करना ही था। एक मैं ही थी जो उनसे लड़ना चाहती थी। मैंने वीडियोस इसलिए ही बनाए ताकि लोग देख सके इस लक्टेरा में क्या हो रहा है, अच्छा और बुरा। ट्रैकिंग करना मोलेनॉइड्स का सबसे बड़ा हुनर है। ट्रैकिंग से याद आया, हम इस वक्त कहाँ हैं प्रॉन्टो? मैं तुम्हें एक शॉर्टकट से ले जा रहा हूँ। ये तो शैडो क्लैन के निशान है, क्या ये उनका बनाया हुआ रास्ता है? रास्ता है नहीं था, पर उन्हें यहाँ सालों से नहीं देखा गया। एक बात कहूँ दोस्तों, मुझे लगता है वो वापस आ गए हैं। शैडो क्लैन, मैं हमेशा उन्हें देखना चाहता था। अगर तुम उन्हें देखने के लिए उनके करीब गए तो और कुछ देखने के लायक नहीं रहोगे। तो अब हम क्या करें? भागो। इलाय, हमें इस तरफ जाना है। यहाँ से निकलो, मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। मुझे उनके साथ ही चले जाना चाहिए था।
क्या हमें उसकी मदद करने जाना चाहिए? बर्फी कमाल दिखाओ। तुम क्या सोच रहे थे? पता नहीं, पर मेरे डैड उनके बारे में ऐसे बात करते थे जैसे वो मामूली बात हो। उन्होंने बताया पेट्रोलिंग करते वक्त उनका सामना हमेशा होता था। हाँ, पर तुम्हारे डैड विलशेन थे, तुम तो बस पागल हो। रॉक लॉक कैवर्न, उन्होंने इस राउंड के लिए कुछ अच्छा सोचा होगा। इस अगले राउंड में होंगे 3-on-3 टीम ड्यूल्स। अपने पार्टनर्स चुन लो। क्या ख्याल है? कम ऑन, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? तुम क्या कर रहे हो? जल्दी धराओ। आखिर ये तीनों हैं कौन? ये तीनों पावर ट्रिपलेट्स हैं, उन्हें पावर ट्रिप्स भी कहते हैं। वो जन्म से ही एक साथ ट्रेनिंग करते आए हैं। वो एक दूसरे की चाल को पहले ही समझ जाते हैं। तुम सब मैच का मजा ले रहे हो। वो भले ही विलशेन का बेटा है, पर उसे ये सारी चालें मैंने ही सिखाई हैं। सिवाय इस चाल और ये भी। फिर से हमला करो ब्रदर। ठीक है सिस्टर। एक मिनट, एक लड़की भी है। उनकी तरह मिलकर लड़ना चाहिए। मुझे अपने स्लग्स दिखाओ। कॉर्ड फॉस्फोरस लिंक करोगे। ट्रिक्सी तुम एरेक्निड, बैंगर का बाद में देखेंगे। नए स्लग को जुड़ने में कई हफ्ते लग जाते हैं इलाय, कभी कभी महीने। तुम शूट तो कर लोगे, पर एक कॉम्प्लिकेटेड मूव करना आसान नहीं होगा। ये उम्मीद छोड़ दो कि अभी अभी जीता हुआ स्लग तुम जो चाहोगे वही करेगा। मैं भले ही नया हूँ, मुझे भरोसा है मैं स्लग से जुड़ चुका हूँ। कॉर्ड तुम उनका ध्यान बटाओ, मेरे इशारे पर फायर करेंगे। चलो देखते हैं। वहां देखो ब्रदर्स। अभी देखा, ये चाल मैंने ही सिखाई थी। विनर्स हैं टीम शेन। दो ताली। हे चलो अब ताली दे भी दो। ठीक है, शायद बाद में। गुड, हमें अगले राउंड के लिए निकलना है। बेहतर होगा तुम इस बारे में सही हो। मेरा वक्त कीमती है मॉरिस। वेस्टर्न कैवर्न्स ड्राइवर डॉक्टर ब्लैक को स्लग मैच देखना है। देखते हैं इस नए शेन में कितना दम है, आखिर क्या खास बात है उसमें। फाइनल्स में पहुंच गया है। क्या बात है एलाय, कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स। मैंने अभी सुना, अफसोस है दोस्त। नहीं, मैं जीता, मैं फाइनल्स में हूं। जॉन बुल के खिलाफ? हाँ, देखो उसने क्या हाल किया। दोस्त तुम में वो हुनर नहीं है, और ना ही तुम इतने तगड़े हो कि उसके रैमर्स को झेल सको। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, पर वो तुम्हारा कचुमर बनाने वाला है। जाओ उसे दिखा दो, मैं तुम्हारी तरफ हूं।
इलाई शेन किसी को भी ऑटोग्राफ नहीं देगा, पर तुम चाहो तो मैं सबके लिए पोज कर सकता हूं। स्लग टेरेनियन एक्सप्रेस। और जरा देखो तो उसका पैसेंजर कौन है? डॉक्टर ब्लैक, वो यहां क्यों आया है? तुम में से इलाई शेन कौन है? शांत रहो बर्पी, वैसे ये है कौन? डॉक्टर थैडियस ब्लैक। तुम्हारे डैड ने कभी नहीं बताया? कहते हैं कि इसी ने तुम्हारे डैड को आखिरी बार जिंदा देखा था। तुम्हारे दोस्त सच बोल रहे हैं, विल शेन एक सच्चा हीरो था। आज मैं उसी की वजह से जिंदा हूँ। क्यों ना हम कहीं और चलकर बात करें? ये भी मेरे साथ चलेंगे। हाँ क्यों नहीं। डरो मत, हम सिर्फ बात करेंगे। खुद का ट्रांसपोर्टेशन होने का यही फायदा है कि तुम जब चाहो आराम से सफर कर सकते हो। कितना नर्म है, लगता है जैसे मैं बादल पर बैठा हूं। तो विल शेन का एक बेटा है, मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। शेन परिवार और उनके राज। आप मेरे डैड के दोस्त थे? दोस्त? मुझे नहीं लगता। तुम्हारे पिता और मेरे बीच काफी मतभेद थे, पर ये पुरानी बात है। हम दोनों को एक अच्छी शुरुआत करने का मौका मिला है, शायद किसी दिन हम एक साथ काम करें। मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास लक्स की कमी है, इसे मेरा एक तोहफा समझो। उस लक को क्या हुआ है? मैंने तो इसे और बेहतर बनाया है। मानता हूं कि मेरी पहली कुछ कोशिशें नाकामयाब रहीं, पर अब ये परफेक्ट है। ये परफेक्शन नहीं है, तुमने इसे किसी तरह के पिशाच में बदल दिया है। पिशाच? ये नाम अच्छा है। ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ की हर चीज इनसे चलती है, तुम स्लग टेरा को बर्बाद कर दोगे। ये बात कुछ सुनी सुनी सी लगती है। एक शेन मेरी बात को समझेगा, ये सोचना मेरी ना समझी थी। तुम जा सकते हो। इस छोटे से मुकाबले में तुम भले ही खुद को हीरो समझ रहे हो, पर असली दुनिया बहुत अलग है इलाई शेन। मेरे रास्ते में कभी मत आना। नहीं पता तुम कौन हो, पर शायद मेरा स्लग जानता है और इसे तुम पसंद नहीं आए, और ना ही मुझे। मैं यहाँ का नया शेन हूँ, बेहतर होगा इसे मान लो। वो सिर्फ एक बच्चा है बॉस, उससे कोई खतरा नहीं। पर वो एक शेन भी है, और जब लोगों के पास अपनी रक्षा के लिए एक शेन होगा तो इससे हमारा काम बिगड़ सकता है। डॉक्टर ब्लैक, आपको क्या चाहिए? आज के मुकाबले में तुम्हारी जीत। मैं एक बच्चे से लड़ने वाला हूं। तुम्हारी लड़ाई एक शेन से है, एक शेन को कभी कम मत समझना। आपके गंदे स्लग्स नहीं चाहिए। तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूं। तुम उस बच्चे के खिलाफ इसका इस्तेमाल करोगे। जॉन बुल वर्सेस इलाई शेन। तुम बस अपने डैड की परछाई हो, तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल गया है। ऐसा नहीं है, मेरे डैड को गए एक अरसा हो गया है और मुझे आसानी से नहीं मिला। दोस्त, बातें कम और मेरी सिखाई बातों को याद करो। फिर से बताओ। ब्लास्टिंग के वक्त बात नहीं करनी चाहिए। बहुत हुआ। उसे दिखा दो एक शेन क्या चीज है। दिखा दो। दिखा दो इलाई। Yeah.
आखिरी शॉट है बर्फी, जीत कर ही आना। हमारा विनर है जॉन बुल। चलो शेन, तुम रूल्स जानते हो। माफ करना दोस्तों, तुम में से किसी एक को जाना होगा। मुझे तुम्हारे स्लग्स नहीं चाहिए, मेरे लिए बस यही काफी है। पिशाच, ये तुम्हें ब्लैक ने दिया है, क्या फर्क पड़ता है, जाओ यहां से, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। और इसके जैसे तो कई और भी हैं। अगर मेरे रास्ते पर चलते हो इलाय, तो स्लग टेरा को हर तरह के खतरों से बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम एक शेन हो, तुम नेक दिल हो, और तुम जो भी चुनोगे मुझे उस पर नाज होगा। मैं बचपन से ही एक अच्छा शेन बनना चाहता था। मैंने सोचा था इसमें डैड मेरे साथ होंगे, पर अब मुझे अकेले ही ये करना है। किसने कहा तुम अकेले हो? इस सफर में ये प्रॉन्टो हमेशा तुम्हारा साथ देगा। मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचाऊंगा, और ये मेरा वादा है। और मैं स्लग टेरा में ये खबर फैला दूंगी, सबको पता चलना चाहिए कि एक शेन लौट आया है। इसमें खतरा हो सकता है। खतरों को हमसे अब किसकी बारी है? चलो भी, क्या तुम में से कोई भी एक फ्रेंडली ड्यूल के लिए तैयार नहीं है? कहीं तुम इनसे तो नहीं डर रहे? ये सिर्फ स्लग्स हैं। गलत, वो सिर्फ स्लग्स नहीं है, वो पिशाच है। वाह, लगता है ये नया शेन सबको बचाने आया है। मैं सोच रहा था तुम अब तक क्यों नहीं आए। यहाँ पिशाचों का कोई काम नहीं, और ना ही तुम्हारा। एक के मुकाबले चार, बड़ी नाइंसाफी है ये। रूस तो तभी हवा हो गए जब तुमने जाकर ब्लैक से हाथ मिला लिया सीसी। तो फिर तुम्हारे स्लग्स को ठिकाने लगाता हूँ, उसके बाद मैं तुम चारों से निपट लूंगा। आखिरी मौका है सीसी, तुम चुपचाप यहाँ से जाते हो या फिर हमसे पिट कर जाओगे? सच में? इसे थोड़ा वक्त दो, ये बेचारा नया नया हीरो बना है ना। ये तो बस एक नमूना था, अब देखो इसका असली कमाल।
बस एक मिनट, कोई बड़ी बात नहीं। क्या तुमने देखा कि उसके बूस्टर्स कितने तेज हैं? वो पिशाच स्लिंग कर रहा है, हम मुकाबला नहीं कर सकते। दोस्त, एक तुम ही हो जिसने पिशाच का सामना किया है और उसका नतीजा अच्छा नहीं था, याद है? जोश बढ़ा रहे हो तो बात नहीं बन रही, पर फिक्र मत करो, एक आइडिया है। ले लूं? हाँ जरूर। इलाय, वो सिर्फ एक स्टिंकर है, एक पिशाच के आगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो इसे नजरअंदाज कर देगा। कितना बदबूदार है और बेवकूफ, पता होना चाहिए, मैं उसे वापस तुम्हारे पास भेजूंगा। यही तो मैं चाहता था। तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, तुम मुझ पर हमला कर दो जिसके बाद मेरे दोस्त तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, या फिर यहाँ से चले जाओ। तो क्या फैसला किया है? अच्छी चाल थी बच्चे, ये बदबू नहीं जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें पड़ेगा। तुम तो एक रिस्पेक्टेड स्लग स्लिंगर हुआ करते थे, अब तुम्हें क्या हो गया है? एक मौका मिला और मैंने उसे ले लिया, और डॉक्टर ब्लैक का साथ देने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। भले ही एक नया शेन आ गया है, पर तुम डॉक्टर ब्लैक और उनके पिशाचों के आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। और तुम्हारे उस शेन हाइडआउट का क्या हाल है? अच्छा तो है ना? तुम क्या कहना चाहते हो सीसी? कुछ नहीं, बस इतना ही, जब मैं यहाँ इन सिटीजन्स को एंटरटेन कर रहा था तो मेरे कुछ साथी तुम्हारे ठिकाने को थोड़ा सा रीडेकोरेट कर रहे थे। समझ लो कि ये एक तोहफा है उसकी तरफ से जिसने मुझे ये दिया है। हाइड आउट चलो। उन्होंने अच्छा नहीं किया। ये अच्छी खबर है, उन्होंने मेरे कांच के पुतलों के कलेक्शन को बख्श दिया। मैं उनसे बदला लूंगा, बदला। डॉक्टर ब्लैक ने हमें चेतावनी दी है, अब मैं दिखाऊंगा शेन गैंग को चेतावनी देने का नतीजा। तो प्लान क्या है? हम भी ब्लैक को मैसेज भेजेंगे, पहले हम अपना सारा खोया हुआ सामान रिप्लेस करेंगे। जानते हो इसका मतलब क्या है? हम जा रहे हैं बार्टन और स्पिंक्स में। वाव, पर शुरू कहां से करें? जानता हूं, इनके पास फर्नीचर से लेकर नए धूमधड़ाके के अपग्रेड्स हैं। तुम्हें अपने मशीनी दानव के लिए कस्टम पार्ट्स भी मिलेंगे। कोड, तुम इन सब में एक्सपर्ट हो, क्या तुम रिप्लेसमेंट्स चुन सकते हो? बिल्कुल, इससे काम चल जाएगा, इससे खोई भी सारी चीजें रिप्लेस हो जाएंगी, साथ ही कुछ अपग्रेड्स भी, वो आगे चलकर हमारे बहुत काम आएंगी। बस एक सवाल, क्या हमारे पास इसके लिए सोना है? सोना नहीं, सिर्फ स्लग्स। तुम्हारे पास काफी अच्छे वाले हैं। नहीं, कभी नहीं। हम किराने का सामान नहीं ले रहे, तुम्हें कुछ कीमती पाना है तो उसके बदले में कुछ कीमती खोना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता हमें इन चीजों की जरूरत है, मुझे अपने स्लग्स नहीं खोने हैं। और ब्लैक का क्या? उसके पास ताकतवर पिशाच हैं, हमें अच्छे से अच्छे सामान की जरूरत है। ये मेरी टीम है, मैं इन्हें करीब से जानने भी लगा हूं। देखा, इसीलिए गोला बारूद के साथ कभी दोस्ती नहीं करते। मैं जानती हूँ ये स्लग्स तुम्हें कितने प्यारे हैं, पर कभी कभी तुम्हें इनका सौदा करना ही पड़ेगा, हम सब करते हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, तुम बहुत अच्छे स्लग हो जूस, पर हमें ये चीजें चाहिए। वाह, इससे काम चलेगा, तुम ये सब ले जा सकते हो। तुम जिसके पास भी जाओगे वो तुम्हारा अच्छा ख्याल रखेगा। शायद हम फिर मिलें।
मुझे नहीं लगता बच्चे। नाइटमेयर रिज, हमें संभल कर चलना होगा। मैं कुछ सोच रहा था। मेरे कारनामों के बारे में सोच रहे होगे। हमने गलती की। तुम्हें महान प्रॉन्टो के ट्रैकिंग के हुनर पर शक है। मैं जूल्स की बात कर रहा हूँ, हमें उसका सौदा नहीं करना चाहिए था। शायद हम इस पर बात कर चुके हैं। तुम ब्लैक को रोकना चाहते हो तो तुम्हें अच्छे सामान की जरूरत होगी, और अच्छे सामान के लिए कभी कभी एक दो स्लग्स देने पड़ते हैं। मैं उसे लाने जा रहा हूँ। उसे स्लग्स से इतना लगाव क्यों है? क्या मतलब वो चला गया? हमें गए एक ही घंटा हुआ है, उसका सौदा हो गया। अगर तुम्हें रिफंड चाहिए तो मेरे पास कुछ फ्लॉपर्स हैं। नहीं, मुझे मेरा जूल्स चाहिए। सॉरी बच्चे, वो नहीं मिलेगा। चलो कोशिश तो की। रुक जाओ प्रॉन्टो, वो दुकानदार कुछ छुपा रहा था, मैं ये पता लगाऊंगा। एक साजिश, मजा आएगा। पीछे रहो, इस काम में बहुत हुनर की जरूरत है जो मुझ में है। ये तो मैं भी कर सकता था। यहाँ कई स्लग्स हैं। ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? धंधा काफी मंदा चल रहा है, पर फिर भी मेरे पास यहाँ काफी अच्छी क्वालिटी के स्लग्स हैं। ट्रेनिंग किए हुए ताकतवर स्लग्स, जैसे डॉक्टर ब्लैक को पसंद है। इन सब को लोड करो। इसके पीछे डॉक्टर ब्लैक का हाथ है। वो इन स्लग्स को डरावने पिशाचों में बदलने की सोच रहा होगा। अच्छा, पर उसे जूल्स नहीं मिलेगा, या इनमें से कोई भी नहीं। चलो, तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। वो स्लग तुम्हारा नहीं है। किसने कहा? डॉक्टर ब्लैक। वो यहाँ दिख नहीं रहा है, और हाँ, इस वक्त तुम अकेले हो और हम बहुत सारे। तुम कौन हो? लोग मुझे कहते हैं डियाब्लोस नाचो। ठीक है, नाचो। तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं। मेरे पैर सुन्न पड़ गए हैं। क्योंकि तुमने मेरा पैर पकड़ा है। तो फिर ठीक है। ठीक है, तुमने हमें हरा दिया, अब क्या करोगे? डरो नहीं जूल्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम डॉक्टर ब्लैक के साथ बिजनेस कैसे कर सकते हो? कई लोग करते हैं बच्चे, उसे मना करना मुश्किल है। वैसे ये सिर्फ स्लग्स ही तो हैं। मुझे नहीं लगता तुम्हें पता है उनके साथ क्या कर रहा है, और मुझे पता करना भी नहीं। जूल्स और उन बाकी स्लग्स को बचाना होगा। मैं ब्लैक को उन्हें पिशाच में बदलने नहीं दूंगा। मतलब हम सीधे ब्लैक के हेडक्वार्टर्स में जा रहे हैं। उसे चेतावनी भेजना चाहते थे, अब खुद ही डिलीवर करेंगे। तुम कौन हो? ईलाई शेन, मुझे डॉक्टर ब्लैक से मिलना है। वहीं रुको। तुम मेरे पीछे आओ, तुम्हारे लिए आसान है।
जाओ। ब्लैक कहाँ है? बिजी हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मुझे मेरा स्लग वापस चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम सब फिर से मेरी ऑफर के बारे में सोचो। मैं तुम्हारी वफादारी और सर्विस के बदले में तुम्हें दूंगा स्लगटेरा का सबसे ताकतवर हथियार। जानता हूँ तुम काम में यकीन करते हो, बातों में नहीं, बिल्कुल मेरी तरह। इसलिए फिर से कहता हूं, मेरी दी हुई ताकत लो और मुझसे हाथ मिला लो। दोस्तों, इन स्लग्स को यहां से निकाल कर हम भी निकल चलते हैं। एक प्रॉब्लम है, जूल्स यहाँ नहीं है, हमने देर कर दी। तो तुम हमेशा से असिस्टेंट बनना चाहते थे या मजबूरी में बने हो? ठीक है, ब्लैक कब आने वाला है? जानता हूँ मुझे बिना बताए मिलने के लिए नहीं आना चाहिए था, पर सच कहूँ तो मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगी। पता नहीं मैं इलाय को जूल्स के बारे में कैसे बताऊंगी। तुम, हे दोस्त, बाय, दरवाजा तोड़ दो, हमें यहां से निकलना होगा। इन स्लग्स के बिना नहीं। नहीं, इस तरह। डॉक्टर ब्लैक के स्लग्स, पकड़ो उन्हें। मॉरिस, हमें अकेला छोड़ो। अब काम की बात करते हैं। तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? बुलाया है? मुझे तो तुम्हारा कोई भी बुलावा नहीं मिला। तुम्हारे हाइड आउट में तुम्हें मेरा भेजा हुआ मैसेज मिला होगा, तभी तो तुम आए हो, है ना? वो तो है, पर मैं अपना स्लग वापस लेने आया हूं। ओ अच्छा, तुम इसी को ढूंढ रहे हो ना? जूल्स, दोबारा सोच लो। बहुत अच्छे, मुझसे हाथ मिलाओ और मैं इसे इससे भी ताकतवर बनाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि तुम मेरे ही घर में आकर मुझे ही आसानी से हरा दोगे? हाँ, मुझे वो अपग्रेड साथ लाने चाहिए थे। Thank you.
देखो इलाई ब्लैक से लड़ रहा है, वो भी बिना प्रॉन्टो के। हमारे रिश्ते अच्छे हो सकते थे, पर बच्चों को अपने पिता की गलतियां दोहराने की आदत पड़ जाती है। अच्छा है, हम सब यहीं हैं। तुम्हारे दोस्त एक और शेन का खात्मा देखेंगे, फिर आएगी उनकी बारी। उसके स्लग्स ताकतवर हैं, पर तुम भी कम नहीं हो। तुम्हें अपने स्लग्स पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है, वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। शर्त लगाते हो, यहाँ से निकलना है बर्फी, उसे दिखा दो क्या चीज हो। वाह, आग की दीवार, इससे बात बनेगी। दिखा दिया तुम क्या कर सकते हो दोस्त, चलो यहां से निकलते हैं। सही कहा, पीछे जाओ और जाकर उन्हें पकड़ो। नहीं, उन्हें जाने दो, वो बात समझ गया। अब इलाई शेन वापस यहां आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे सबक क्यों नहीं सिखाते? सिखाएंगे जरूर, उनको सिखाएंगे, पर अभी के लिए उसे देखकर सबको ये जानने दो कि क्या होता है जब एक शेन मुझे चैलेंज करता है। वैसे हम पूरी तरह से नहीं हारे, तुम सब अच्छा लड़े, तुम सभी। ब्लैक गलत था, हमारे स्लग से जरूरी और कुछ नहीं। हमें यहाँ सब कुछ सही करके ब्लैक को रोकना है, तो हमें स्लग्स चाहिए काफी सारे। उन्हें ट्रेनिंग की भी जरूरत होगी, हमारे स्लग्स अभी मूव सीख सकते हैं। नए सामान संभल कर, हम ठीक उनके ऊपर हैं। हाँ हाँ, सॉरी दोस्तों, यहाँ तो कोई भी नहीं है, शायद करीब से देखना चाहिए। फ्रॉस्ट क्रॉलर्स, याद रहे लाए, वो खूंखार हो सकते हैं। तेज रफ्तार से जाते हुए ज्यादा खूंखार दिखते हैं। दखल नहीं देना चाहता, पर तुम ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हें यहाँ तक लाने में इस महान प्रॉन्टो का हाथ है। क्यों ना हम एक पकड़ लें? मैं जाल लाती हूँ, मेरे पास ग्लव्स हैं। क्यों ना हम उनसे बात करें। हे, मुझे अपनी टीम के लिए कुछ ताकतवर स्लग्स चाहिए, जैसे कि तुम। अब वो मुझसे नहीं बचेगा। कौन तो नहीं। उन्हें कुछ नहीं होगा। उन स्लग्स के एक साथ ट्रांसफॉर्म होने से एक चेन रिएक्शन शुरू होगा। दोस्तों, यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है। भागो यहां से।
बचने वाले। ऐसा नहीं होगा। जंग लगे बेवकूफ जल्दी निकलो। मेरा मतलब मेरे साफ सुथरे जान से प्यारे अच्छे दोस्त। सिर्फ एक ही मौका है, इसे गवाना नहीं बनती। जलाओ बर्फी जलाओ। मुझे मजा आया पर मुझे नहीं आया। चलो भी बहुत मजा आया पर काश कि हम उस लक को ला पाते। देखो ये वापस आ गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों मैंने तुमसे कहा था तुम्हारे स्लग्स इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब तुम्हारा ब्लास्टर उन्हें हैंडल नहीं कर पाएगा। अच्छी एक्टिंग है। मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक है। ये कब तक ठीक होगा? मेरे ख्याल से कभी नहीं। मैं काफी चीजें ठीक कर सकता हूँ, इसे एक्सपर्ट चाहिए। मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो ये ठीक कर सकता है। रेड हुक। जाना पहचाना नाम है। लगना भी चाहिए, सभी अच्छे सिंगर्स उन्हीं से मदद किया करते थे, तुम्हारे डैड भी। वो हुनरमंद हैं और उन्हें गुस्सा बहुत आता है। मुझे नया दोस्त नहीं ढूंढना है, बस ब्लास्टर ठीक करवाना है। रास्ता दिखाओ प्रॉन्टो। पीछे आओ। वेलकम टू पॉइंट लॉन, ये है रेड हुक का घर। तुमने कहा था ये अच्छी जगह है। ये अच्छी हुआ करती थी। यहाँ के लोग थोड़े शर्मिले, प्रॉन्टो संभाल लेगा। हेलो, मैं हूँ प्रॉन्टो। लगता है इन्हें शांति पसंद है। तुम भी शांत हो जाओगे अगर तुम्हें उनके नीचे रहना पड़े। रिन्यू कर स्लग्स। वो स्लग्स नीचे गिरने पर फट जाते हैं। उनके नीचे रहना काफी मुश्किल होता होगा। स्लग्स के साथ तो हम रह सकते हैं, असली मुसीबत तो हूला गैंग बना हुआ है। हूला क्या? हूला गैंग। आओ दोस्तों। हे, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारा आर्टवर्क, क्या वो एक बिल्ली है? प्यारी है। तुम्हें तमीज सीखने की जरूरत है जब इस बेकार टाउन को चलाने वालों से बात करो। अब इस बात का ध्यान रखूंगा। तुम टूटे हुए ब्लास्टर के साथ लड़ना चाहते हो? मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वही शेन लड़के हो। चलो यहाँ से निकलो। हम हैं हूला गैंग, ब्लैक इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल एम्प्लॉयज। मतलब अगर तुम हमसे उलझे तो तुम उलझ रहे हो सीधे डॉक्टर ब्लैक से। तुम इसकी फिक्र मत करो क्योंकि मैं पहले ही उससे उलझ चुका हूँ। अपनी टीम के बिना तुम में ज्यादा दम नहीं है। फिर तुम्हें मुझे एक छोटे से ट्रिक शॉट कॉन्टेस्ट में हराने में दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम में दिमाग से ज्यादा हिम्मत है। मैं ब्लैक के लिए एक शहर चला रहा हूँ, मेरे पास गेम्स का वक्त नहीं है। जीते तो तुम्हें अपने स्लग्स दे दूंगा सारे, अपने सारे स्लग्स। तुम हारे तो शहर छोड़ दोगे। देखते हैं बच्चे, समझो तुमने अपने सारे स्लग्स खो दिए। उसने तुम्हें हरा दिया तो तुम बर्पी और अपने सभी स्लग्स को खो दोगे। उसे चैलेंज करते वक्त ये बात तुम्हारे दिमाग में जरा भी नहीं आई क्या? आई थी, डरो मत, मेरे पास एक प्लान है। बहुत अच्छे, इसके पास एक प्लान है, बताओ। जीत। अरे वाह। लो, अब तुम बहाना नहीं बना पाओगे कि तुम्हारे पास एक टूटा हुआ ब्लास्टर है। थैंक्स, तुम्हें हराने के लिए एक टूटा हुआ ब्लास्टर भी काफी है।
कैसा लगा? बढ़िया। अब देखो मैं क्या करता हूँ। वाह, तुम हार गए। तुम हार गए। तुम्हारा जवाब नहीं। रुको। एक पॉइंट लाए को। बहुत अच्छे। ट्रिक शॉट्स, दो अच्छे शॉट्स मारने वाला जीतेगा। नहीं तुम नहीं। तुम्हारे स्किल्स मेरी फ्लेरिंगो के आगे नहीं टिक पाएंगे। देखते हैं फ्रॉस्ट क्रॉलर क्या करता है। बैकबोल हिट करने वाला जीतेगा। गो। दो पॉइंट्स। फिर से। काउंट नहीं करते। अब आखिरी मुकाबला होगा, जो जीता वही सिकंदर। मिस्टर, मैं 6 शॉट पहले ही जीत चुका हूँ। ये गुफा उन ग्रनू का स्लग से भरी है। सबसे ज्यादा स्लग्स गिराने वाला जीतेगा। नहीं नहीं, वो किसी को परेशान नहीं कर रहे। तो क्या हुआ? वो सिर्फ स्लग्स हैं। चुपचाप यहां से चले जाओ। अब सिर्फ तुम ही बचे हो। तुम बेकार हो, ना तुम फटते हो ना चीजें जमाते हो, बस बेकार निकम्मे गंदे स्लग हो। संभल कर, उसे कुचलने ही वाले थे। बहुत हुआ, अब मैं तुमसे तंग आ गया हूं। ड्यूल करते हैं। क्या तुम मुझे फिर से वो ब्लास्टर दे सकते हो? अब तुम नहीं बचोगे। कोई भी स्लग काम नहीं आ पा रहा। कॉर्ड ब्लास्टर, ये तैयार है। लगता है उन्हें नीचे गिराना आसान नहीं है। तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास एक और स्लग की जगह है। एक्चुअली काफी जगह है। डॉक्टर ब्लैक को यह अच्छा नहीं लगेगा। तुम सबने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। वो वापस आएंगे। उनका इंतजार रहेगा। रेड हुक के घर चलें। मिस्टर रेडहुक, मैंने तुम बच्चों को कितनी बार कहा है मुझे परेशान मत करो। अब क्या करें? हम कभी मिले नहीं हैं। मैं बस एक प्लास्टर ठीक कराने आया हूँ। तुम उन हुला गैंग जोकरों के साथ तो नहीं हो? नहीं, हम वो हैं जिन्होंने उनको भगा दिया। एक रेडहुक, एक सवाल है। आपने अपना नाम उस हुक के लगने से पहले रखा या बाद में? ये पहले से ही रेड था या किसी और रंग का? प्लीज सर, आपकी मदद चाहिए। ठीक है, अंदर आ जाओ। मुझे लंच के वक्त डिस्टर्ब किया। बढ़िया, मुझे भूख लगी है। क्या आप भी इस तरह के औजार बनते हैं? नहीं बनते। अपना काम बताओ और यहां से निकलो। मेरे पास स्लग्स हैं, उन्हें शूट करने के लिए ब्लास्टर चाहिए। तुम्हारे पास इतने ही स्लग्स हैं? यहां से चले जाओ लड़के, हम कहीं नहीं जाएंगे। किसी को तो शहर की रक्षा करनी है।
तुम जाने पहचाने लगते हो, तुम्हें यकीन है हम कभी नहीं मिले? अपना ब्लास्टर दिखाओ, आप ठीक करेंगे? ये बहुत लकी रहा है। शुक्र करो इसने तुम्हें मारा नहीं। ये चीज तो नई होने पर भी एक कबाड़ ही थी। मैं कबाड़ ठीक नहीं करता। जरा एक मिनट, इनसे प्यार से बात करने की जरूरत है। तुम डरो नहीं, प्रॉन्टो जानता है कि उन्हें कैसे मनाया जाए। नहीं, चले जाओ यहाँ से। आज तक किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की। और वापस मत आना। उन्हें मनाना आसान काम नहीं है। अब तुम सब ठीक करो, वरना मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगी। मॉरिस, ये तुम किसे ले आए? नया रिक्रूट है, नाम है बिली। इसे क्वाइट लॉन कैबन भेजा कि ये रेडुक को हमारे लिए काम करने पर राजी करे। वो राजी हुआ? चलो बताता हूँ, वहाँ के लोग मान नहीं रहे। वो लोग नहीं, वो लड़का वहाँ आया और ऐसा दिखाने लगा जैसे वो शहर का मालिक हो। उसी ने तुम्हारा ये हाल किया। तुम्हें मेरी मदद चाहिए। लगा था कि आप यही कहेंगे। मैं, तुम बिली हो है ना? तुम्हें शेन से अपना बदला लेना ही चाहिए। मैं तुम्हें कुछ स्ट्रॉन्ग स्लग्स देने वाला हूं। पिशाच स्लग्स, तुमने कभी देखे हैं? उनके बारे में सुना है? अगर एक स्लग के अंदर की सारी ताकत सिर्फ तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हो, कितना स्ट्रॉन्ग होगा वो स्लग जिससे तुम अपना बदला ले पाओगे? एक शेन मेरे पिशाचों के आगे टिक नहीं सकता। अब तुम में से कौन पिशाच बनना चाहता है? शहर में सब नॉर्मल हो रहा है। अगर ढेर सारे फटने वाले स्लग्स के नीचे रहने को नॉर्मल कह सको तो। प्रांटो कहाँ है? रेड हुक से माफी मांग रहा है। हूला गैंग इसी तरफ आ रहे हैं। वापस आओ, ये तुम्हारा शहर है। वो उनसे लड़ते क्यों नहीं? भूल गई ये क्वाइट लॉन कैवन है। शहर की रक्षा के लिए इन्हें खड़ा करेंगे। पहले अपना ब्लास्टर ठीक कराओ। उम्मीद है प्रॉन्टो ने रेडहुक को मदद के लिए मना लिया हो। मैं अपने पिता की तरफ से और उनके पिता की तरफ से आपसे बहुत 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 माफी मांगता हूँ। तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा मेरे घर से निकल जाओ? मुझे आपसे माफी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ कर दें। बहुत हो गई माफी प्रॉन्टो। हूला गैंग वाले आ रहे हैं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। रेडहुक, आप मेरा ब्लास्टर ठीक करेंगे या नहीं? नहीं, ठीक है, मैं उसके बिना ही उनका सामना करूंगा। चलो प्रॉन्टो, तुम एक शेन हो है ना? सही कहा, कैसे पहचाना? तुम्हारी इस हिम्मत को देखकर। मैंने एक बार विल शेन को सिर्फ एक डस्ट पफ स्लग और एक स्लिंग शॉट के साथ पूरे मैकडूगल गैंग को हराते हुए देखा था। नहीं पता था उसका एक बेटा है। डैड मुझे सबकी नजरों से दूर रखते थे। अब तुम सबकी नजरों के सामने आ गए हो। क्या तुम ब्लैक से लड़ने वाले हो? मैं तो सभी बुरे लोगों से लड़ने का फैसला कर चुका हूँ। वेल, तो फिर तुम्हें इसकी जरूरत होगी। वाव, मैंने सिर्फ दो ही बनाए थे, दूसरा वाला तुम्हारे डैड के पास था। अब आपसे क्या कहूँ? कहो कि तुम अपने डैड जैसे बनोगे। हम उस हूला गैंग से लड़ने जा रहे हैं। प्रॉन्टो चाहता है कि आप इस ऐतिहासिक लड़ाई में हम सबका साथ दें। मैं इन्हें बनाता हूं पर कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया। आपने काफी मदद की है, अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। चलो प्रॉन्टो। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। जाओ उन्हें दिखा दो बच्चे। क्या सब तैयार हैं?
पैदाश ही तैयार हूँ। इन जोकरों को उनकी असली जगह दिखाते हैं। इस ब्लास्टर के साथ ये करना मुश्किल नहीं होगा। एक प्रॉब्लम है, उनके पास पिशाच हैं। इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। कोशिश करके देखो। हमला करो। ये वाकई कमाल का है। उनके स्लग्स वेस्ट करो। तुम्हारी बारी जूल्स। बढ़िया शॉट ट्रिक्सी। वो तो हमेशा होता है। मारो। तबाह कर दो। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ दो स्लग्स बचे हैं। मेरे पास डैशलेस हैं। मेरे पास कुछ नहीं। मेरे स्लग्स कहाँ गए मुझे पता नहीं। हमें यहाँ रहने वालों की मदद चाहिए। यहाँ के लोग मना कर चुके हैं। मैं लोगों की बात नहीं कर रहा। टोंटो, क्या तुम्हारे पास अभी वो सोनिक जान है? तुम वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, अब वो गए। बर्पी, नए साथी जमा करते हैं। चलो। हम हारे नहीं हैं शेन, हमारे पास अब भी पिशाच बाकी है। मेरे नन्हे दोस्त, अब तुम ही बचे हो। जाओ दिखाओ अपना कमाल। वो बेकार स्लग है, अब तो तुम गए। मेरे पिशाच के साथ क्या किया? वो अब एक पिशाच स्लग नहीं रहा। तो ये काम करते हो तुम एक हीलर हो। ये कोई मामूली हीलर नहीं है, ये पिशाचों को ठीक करता है। एक हीलर नहीं हो सकता। घंटों ड्यूलिंग करने के बाद भी आपके स्लग्स कुछ नया नहीं सीख पा रहे? ऐसा ही होता है। बाकी स्लिंगर्स को अच्छे स्लग्स मिल रहे हैं और आपको सिर्फ फ्लॉपर्स। ये गंदे बेकार से फ्लॉपर्स। क्या आपको समझ नहीं आता कि कौन सा स्लग इस्तेमाल करें या वो इस्तेमाल करने के लायक है या नहीं? मेरे दिल की बात बता रहा है। तो फिर आइए क्लब स्लग में। हम जानते हैं कि एक स्लग को ताकतवर बनाने में वक्त बर्बाद करने के अलावा आपके पास और भी कई काम है। हाँ, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ।
इस स्लग ने एक ही वीकेंड में 5 नए मूव सीख लिए। और मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, बस आराम से बैठो और देखो, वो भी रिलैक्सिंग मसाज के मजे लेते हुए फुली इक्विप्ड स्पा में। थैंक यू सर्जन स्लग। मुझे पेडिक्योर चाहिए। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं हूँ सर्जन स्लग और मैं कहता हूँ उठो, अपना सामान बांधो और मुझे सारा काम करने दो ताकि आप आराम कर सको। ये एक ऑर्डर है। यस सर। कुछ सेकंड बाद जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके लिए अभी से माफी मांग रहा हूं। तुम्हारी धमकियों में तुम्हारी बदबूदार सांसों जितना दम नहीं। मैं एक केव ट्रोल हूं, मुझे बदबू से फर्क नहीं पड़ता। ये भी है। तुम दोनों क्या कर रहे हो? अपने ओपोनेंट को गुस्सा दिलाने की प्रैक्टिस। क्यों ना बातों के बजाय स्लिंगिंग पर ध्यान दिया जाए। खूब बैंगर। अफसोस मत करो कॉर्ड, ये सिर्फ प्रैक्टिस है तुम्हारे लिए। तुम तो ये भी नहीं जानते थे कि एक स्लग ब्लास्टर से कैसे बाहर आता है, अब तुम्हें हराना भी मुश्किल है। एक मिनट। ब्रांटो, सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? बहुत अच्छा सवाल है, तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम घंटों तक डोलिंग करते हुए थक नहीं जाते हो? नहीं, यही एक स्लग स्लिंगर होने की खास बात है। तुम हर बार जीतो तो क्या बाकी स्लिंगर्स तुम्हें धूल चटवा रहे हैं? वो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है, इसलिए मैंने हम सब के लिए क्लब स्लग में एक आरामदायक वीकेंड बिताने की बुकिंग कर ली है। अच्छा, पर मैं एक स्लिंगर हूँ, कोई डांसर नहीं हूँ। वो उस तरह का क्लब नहीं है, मैंने भी उसकी एड देखी है। वो स्लग्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप और स्लिंगर्स के लिए एक वेकेशन जैसा है। वेकेशन? सच में? तुम्हें वेकेशन की सख्त जरूरत है। तुम कितनी मेहनत करते हो और जब तुम वहाँ जकूजी वाले पूल के पास ठंडे ठंडे नींबू पानी का मजा लोगे तब तुम्हारे स्लग्स ताकत और तजुर्बा हासिल कर रहे होंगे। इतना सब एक वीकेंड में। वैसे सुनकर यकीन नहीं होता, पर वो पूल वाली बात मुझे अच्छी लगी। अगर ऐसा करने से मैं तुम्हें हरा पाऊं तो मैं जाऊंगा। उसके लिए क्या कीमत देनी पड़ी? क्या कामयाबी की कोई कीमत होती है भला? सीधे सीधे बताओ प्रांटो। मैंने ग्रुप डिस्काउंट के बारे में बताया, आधा सोना देना पड़ा। प्रांटो, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं एक नए ब्लास्टर के लिए उसे बचा रही थी। हमने मेहनत से वो सोना कमाया था प्रांटो। और इसीलिए तुम्हें एक वेकेशन की जरूरत है, तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे सोना वापस चाहिए, रिफंड्स नहीं होते। हमें वहां जाकर दी गई कीमत को अच्छी तरह वसूल करना होगा। तो हम क्लब स्लग में आ गए। अब हम अपने स्लग्स को नॉन ट्रेडिशनल तरीके से ताकत पर बनाने के लिए तैयार हैं, पर पहले चलो बाकी मेहमानों से मिला जाए। हाय, मैं एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना रही हूँ। तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्लब स्लग में क्यों आए हो? नाम है वेलन और मैं यहाँ अपने स्लग्स ताकतवर बनाने आया हूँ। वीकेंड पर मैं और मेरे साथी यहाँ पर अच्छी तरह आराम करने वाले हैं। इसके बाद
यहाँ मेरे स्लग्स राज करेंगे। अच्छी बात है, और तुम कौन हो? लगता है पूरे स्लग टेरा में सिर्फ तुम्हें ही क्रोसिस क्लैन के बारे में नहीं पता। अगर क्लब स्लग इतना ही अच्छा है तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। अकड़ू, माफ कीजिए। और तुम्हारा क्या? उस कैमरे को हटाओ। ठीक है, चलो एक लाइन बनाओ और सीधे खड़े रहो। तुम फ्लॉपर्स थोड़ी हेवी लिफ्टिंग के लिए तैयार हो? विश्राम, यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे फ्लॉपर्स ही सारा काम करेंगे। वो काम करेंगे ताकि तुम्हें ना करना पड़े। आज हमारे साथ एक शेन भी है। तुम्हारे स्लग्स को ट्रेन करना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं तो यहाँ सिर्फ वाटर स्लाइड के लिए आया हूँ। बुरा मत मानना सर, पर मुझे लगता है आपकी बातें सिर्फ बातों के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने बुरा नहीं माना बच्चे, मैं हमेशा सुनता हूँ, पर इस वीकेंड के खत्म होते होते तुम्हें मेरी बातें सिर्फ बातें नहीं लगेंगी। चलो सब लोग, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे होता है। बिना अपने सारे पत्ते खोले हुए मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। बताओ एक डेमोंस्ट्रेशन के लिए कौन मुझे अपना स्लग देगा? पहले मेरा। देखो ये नन्हे स्लग्स कितने बेकरार हैं। वो जानते हैं उनके लिए क्या अच्छा है। अब स्लग चाओ का मेरा खास मिश्रण उन्हें जल्दी से रिचार्ज करता है। अब देखो उन्हें इसकी जरूरत क्यों होगी। वाह, ये तो कूल है। स्लग के मशीन में लोड होते उसे तेज फेंका जाता है। ट्रांसफॉर्म करके उसे टारगेट ट्यूब में फायर करके मैगजीन में वापस भेजा जाता है जहां वो फायर हुआ था। ऐसा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, पूरा दिन और पूरी रात ही चलता रहता है। इससे इन्हें नए मूव्स को बहुत जल्दी सीखने का एक्सपीरियंस मिलता है, उतना जितना आप सोच भी नहीं सकते। स्लग्स को भी अच्छा लगता है। सब लोग अपने स्लग्स हमें दे दो ताकि हम इसमें डाल सकें। और ये सब होता है बिना किसी मेहनत के। मेरा स्लग ताकतवर दिख रहा है। तो क्या कहते हो इलाय, इसे आजमाने के लिए तैयार हो? अपने स्लग्स लाओ। मुझे और मेरे स्लग्स को पुराने तरीके पसंद हैं। हम इस वीकेंड वेकेशन पर हैं। तुम शेन्स ट्रेडिशनल होने के लिए मशहूर हो। वैसे मुझे तुम्हारा सोना मिल चुका है। ठीक है, आप सब लोग जाकर आराम करो, ये एक ऑर्डर है। सिवाय तुम सबके दोस्तों, अब उस वाटर स्लाइड पर चलते हैं। ये तो मानना पड़ेगा प्रॉन्टो, इसकी आदत पड़ जाएगी। टिप देना भूला नहीं कॉर्ड। ये सब बहुत अच्छा है। डैडी कहते हैं हर काम की एक कीमत होती है, और मैं कीमत दे सकता हूँ। जब मैं घर जाऊंगी तो मेरा भाई कीमत चुकाएगा, उसके गंदे चेहरे पर एक स्टिंकर स्लग के साथ। देखा, जब ये हो तो एक अजीब मशीन की किसे जरूरत है। अब सब ध्यान से सुनो, अब कुछ घंटे हो गए हैं। क्या तुम देखना चाहोगे कि तुम्हारे स्लग्स कैसा काम कर रहे हैं? वाह, बहुत बढ़िया। पता था कौन करेगा फ्रेंडली ड्यूल। किसी ने ड्यूल कहा? मुझे मंजूर है। बहुत अच्छे इलाय, कौन अपने बेहतर स्लग्स को शेन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? हाँ, मैं करूंगा। तो फिर आ जाओ। ठीक है दोस्तों, एक स्लग एक शॉट। अब तुम हारने वाले हो। तुम्हारी खैर नहीं इलाय शेन, सुना तुमने? बोलते रहो कॉर्ड, तुम बस यही कर सकते हो। नहीं, इस बार नहीं बदबी। बैंगर, उसे चोट मत पहुंचाना। बातें बहुत हुई, तैयार स्लिंगर्स? तो तैयार हो जाओ। शुरू।
तो इलाई शेन, तुम्हें अब भी मेरा सिस्टम एक मजाक लगता है? इलाई, तुम ठीक तो हो? हाँ, लगता तो है। तुमने मुझे हरा दिया। सही कहा, मैंने तुम्हें हराया। तुम हार गए। एक नए मूव के साथ, वो कमाल था। बिल्कुल, काश तुम पर दांव लगाया होता। तो अब तुम मानते हो? ना मानने जैसा कुछ है ही नहीं। तुम ठीक हो बैंगर? क्या हुआ था? तुम हार गए, और क्या हुआ? ठीक है, वापस मशीन में जाओ नन्हे उस्ताद। उन्हें बुज की तरह ताकतवर होने के लिए कुछ और सेशंस लगेंगे। एक मिनट, मैं महान प्रॉन्टो इलाई को स्ट्रोल से भी बुरी तरह से हराऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या कहते हो इलाई, क्या आप अपने स्लग्स को ट्रेन करवाना चाहते हो? ठीक है, चलो बैंगर को भेज कर देखते हैं वो एक रीमैच में कैसा करता है। तुम सच में ठीक तो हो? मुझसे हार कर बुरा लगा? नहीं, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम आखिर में मुझे हरा सके। बस ये मानना मुश्किल हो रहा है कि एक मशीन ये सब कर रही है। वैसे मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें हरा दिया, पर जो भी हो तुम मुझसे हार गए। कितने सबूत चाहिए? लगता है बैंगर को यकीन है। वो भले ही स्लग है, पर वो जानता है उसके लिए क्या अच्छा है। उसे दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। डरना मत बैंगर, मैं यही हूँ। वो डरा नहीं है, खुश है। सब कुछ ठीक है बच्चे, मैंने इस मशीन में हजारों स्लग्स को ट्रेन किया है। वैसे उसे अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस सुबह तक रुक जाओ, उसके बाद तुम इस मेथड के दीवाने हो जाओगे। मैंने तुमसे कहा था ना बच्चे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इंप्रेस हूँ। कैसा लग रहा है बैंगर? इतनी ट्रेनिंग काफी है। जैसी मर्जी, नाश्ते का वक्त हो गया है। यहाँ खाने में कोई रोक टोक नहीं है। हटो, मुझे आगे जाने दो, मुझे भूख लगी है। चलो बैंगर, बहुत ट्रेनिंग कर ली। बैंगर, जितना खा सकूं। कमाल की बात है, मुझे अपने कारनामों के लिए काफी ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। मैं सब खाऊंगा। बैंगर ने पहले मुझे कभी नहीं काटा, ये मशीन उसे पागल बनाती है। सुनो, उनके साथ जो करना है उसके लिए उनका पागल होना जरूरी है। तुमने देखा कोड स्लग हमारे ड्यूल के बाद कितना कमजोर पड़ गया, और सार्जेंट स्लग उसे वहां से ले गए। वो जरूर कुछ छुपा रहे हैं। उन्होंने कहा उन्हें ट्रेन होने में वक्त लगता है। बुच को देखो, कितना तगड़ा स्लग है। देखो, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो इलाई, पर इसके लिए हमने अपना आधा सोना दिया है, वसूल तो करना होगा। कुछ ही घंटों में ग्रेजुएशन है, हम तब तक यहाँ पर रहकर उन स्लग्स पर नजर रखेंगे। उस मशीन में जाने वाले स्लग्स के साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं इसका राज जान के रहूंगा। चलो बैंगर, एक छोटा सा वर्कआउट तुम्हें शांत कर देगा। कोई बात नहीं बैंगर, तुम्हारी कोई गलती नहीं। बैंगर, तुम ठीक हो ना? लगता है तुम कमजोर पड़ रहे हो, क्या हो रहा है? यहाँ एक स्कैम हो रहा है, मैं उसके जाल में फंस गया। मेरे स्लग्स की हालत देखो, मशीन इन्हें पागल बना रही है। मैं सही था। कैसे? मशीन जोश बढ़ाती है, कुछ शॉट्स के बाद ये कमजोर पड़ जाते हैं, फिर एक और राउंड, वो इसे मेंटेनेंस कहता है। उसके स्लग्स हमेशा चार्ज होते रहते हैं। मुझे यही तो पता लगाना था,
कांग्रेचुलेशंस जवानों, वादे के मुताबिक ये रहे तुम्हारे नए और बेहतर स्लग्स। ये स्लग्स कहीं नहीं मिलेंगे। इन्हें ट्राई करने के लिए मैं बेताब हूँ। सबसे कहना मत भूलना कि क्लब स्लग ने तुम्हारे लिए क्या किया है, मतलब इन सबको कैसे चीट किया है ना। ये आर्टिफिशियल लेवल अप ज्यादा देर नहीं टिकते, तुम्हें इन्हें पावर अप करने के लिए बार बार आना पड़ेगा। डूड, मुझे आना पसंद है। मेरे पैसे, मेरे स्लग्स, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? स्लग की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारा खतरा भी मेरी प्रॉब्लम है। स्लग को ट्रेन करने में वक्त लगने की एक वजह है। वक्त लगता है ताकि तुम्हें उसे हैंडल करने का तजुर्बा मिल सके। किसी को चोट लग सकती है बुरी तरह, ये स्लग्स उन पिशाचों जैसे बन रहे हैं। तुम भले एक शेन हो, पर तुम मेरा बिजनेस बिगाड़ रहे हो। जो मेरा साथ देगा उसे एक महीने का मेंटेनेंस फ्री मिलेगा। लगता है ये सब मेरे साथ हैं। अब तुम बच के दिखाओ। हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे अपनी नई इन स्लग्स की फिक्र है। मेरी बात मानो, उन स्लग्स को फायर मत करना। मैंने काफी खर्च किया है, इस्तेमाल तो करूंगा। पीछे हटो, मैं ये सब रोक सकता हूँ। ये बदबू, इलाय, सॉरी। मुझे ये पागल स्लग्स अच्छे लग रहे हैं, जाओ उन्हें दिखा दो दोस्तों। मत करो, उनके स्लग्स कुछ ही मिनट में थक जाएंगे। कई बार कुछ मिनट लंबे हो जाते हैं, शायद कुछ ज्यादा लंबे। सच में चल, मेरे पास स्ट्रॉन्ग स्लग्स की पूरी सेना है बच्चे। तुम्हारे पास क्या है? दोस्त जिनके साथ लड़ा हूँ, जिन पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना बर्फी? तुम्हारे स्ट्रॉन्ग स्लग्स कमजोर पड़ रहे हैं सार्जेंट, बिल्कुल गलत। मेरे पास इस प्रॉब्लम का सलूशन है। तुम मेरा बिजनेस बंद करवाओगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे स्लग्स थक चुके हैं, मेरे वाले तैयार हैं। पक्का तुम ये करना चाहते हो? चलो फिर हो जाए। क्या? नहीं, कमाल कर दिया बेंगल। हमारे स्लग्स तो ताकतवर हुए नहीं, ऊपर से हम मरते मरते बचे। पर शुक्र है अब कोई और इस धोखे का शिकार नहीं होगा। मैं मानना नहीं चाहती, पर तुम नकली ट्रेनिंग कैंप के बारे में बिल्कुल सही थे। मैं यहाँ से मिले हुए बेकार स्लग से अपने भाई को कभी भी हरा नहीं पाती। अगली बार मैं पुराने तरीके अपनाऊंगा, मतलब मैं अपने बटलर से करवाऊंगा, या कुक से, या ड्राइवर से। वैसे वो सब काफी कमाल का तो था, जिस तरह हमारे स्लग्स पूरी तरह पगला गए थे। वेलन, वो कमाल नहीं था। हाँ, शायद तुमने ध्यान दिया, मुझे चीजें देर से समझ में आती हैं।
तुम कहाँ हो? प्लीज मिल जाओ। संडे संडे संडे, आज है स्लग रन। हमेशा की तरह नए खतरनाक चैलेंजेस वाला नया खतरनाक कोर्स, और इनाम होगा एक नया खतरनाक कमाल का स्लग। इतना खतरनाक कि सबके होश उड़ जाएंगे बस उसे देख कर ही। इस साल हम लाए हैं सबसे अनोखा स्लग, एक क्रिस्टलाइट स्लग जो 100 साल में एक बार निकलता है। तो आज सबसे खूंखार बेरहम रेसर्स इस खतरनाक कोर्स में अपना कमाल दिखाएंगे। वो तो हाँ, स्लग रन में बहुत मजा आता है। तबाही का फेस्टिवल, मैं देखने को बेताब हूँ। सिर्फ देखने में मजा नहीं आएगा? नहीं, कभी नहीं। तुम काफी अजीब चीजें कर चुके हो। जहाँ तक रेस का सवाल है, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा या नहीं, देखते हैं। मजा आएगा। एक रेस ही तो है, इसमें बुरा क्या होगा? वेलकम रेसर्स, सब अपने अपने डेथ और डिसमेंबरमेंट फॉर्म्स भर दें। हमेशा की तरह अपने अंग खोने पर आपको उन्हें खुद ही उठाना होगा, और अगर दोनों हाथ खो दो तो अपने दोस्तों की मदद लेना अगर वो बचे रहे। और याद रहे, यहाँ स्लगिंग रूल लागू होगा। ठीक है, अच्छी बात है, मैं ब्लास्टर से काम लूंगा। यहाँ स्लगिंग रूल ये है कि तुम इसमें अपना ब्लास्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर उसे नो स्लगिंग रूल कहना चाहिए, है ना? अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी तरह बनना होगा। चील की नजर, शेर की ताकत और अपने दिल में जीतने का जुनून। सीडो, मेरा पुराना जानी दुश्मन। सीडो, कैसे हो? अच्छा, मिलकर खुशी हुई। अरे ज्यादा खुशी तो मुझे हुई। रुको, अरे ये तो मैं हूं, प्रॉन्टो, तुम्हारा पुराना जानी दुश्मन। अरे चलो भी, तुम क्या कर रहे हो? कम ऑन, फैंस से मिलकर मैं खुश होता हूं। वैसे ही रहना। थैंक्स प्रॉन्टो, अब हिलो। एक मोल दानव प्यारा है। मुझे एक मोल होने पर नाज है। एक मोल ही मोल को समझता है। ये मेरी धरोहर है। ओ प्रॉन्टो, तुम्हारे दुश्मन ने खुद को एक सच्चा मोल बताया है। तुम कुछ कहोगे? ये क्या घमंडी कहीं के? फिक्र मत करो बर्पी, हम आराम से खेलेंगे। हम बस एंजॉय करेंगे, और अगर जीत गए तो बोनस। आहा। प्रॉन्टो, ये तुम क्या? सीडो खुद को मुझसे अच्छा मोल समझता है। अब मैं उसे दिखाऊंगा कि एक असली मोलनॉइड क्या होता है। क्या सारे रेसर्स तैयार हैं? शुक्रिया। हे
हाँ मैं जानता हूँ, मैं टाइम पर आया हूँ। वैंस वोल्ट को बेकार खड़े रहना पसंद नहीं, तो क्या हम रेस शुरू करें? जरूर मिस्टर वोल्ट, गो। वैंस वोल्ट आखिर है कौन? मैं 3-time चैंपियन, जिसे तुम्हें जीतना है, जिसमें तुम बुरी तरह से नाकामयाब रहोगे, क्योंकि अब मेरा बीस्ट अपग्रेड हो गया है, जिसके जिम्मेदार है मेरे नए स्पॉन्सर ब्लैक इंडस्ट्रीज। वोल्ट ब्लैक के लिए काम करता है, ब्लैक को टनल और चाहिए, मतलब समझते हो? हाँ, मुझे सीडो को हराना होगा। हमें उसे नहीं वोल्ट को हराना है, ताकि वोल्ट कभी हे रुको। रन के लिए तुम थोड़े छोटे हो। मैं इसे काफी दिन से चला रहा हूँ, 1 मिनट ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, पर फिर भी तुम्हें एक सलाह दूं बच्चे। क्या खुद को हराने का तरीका बताओगे? जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे पीछे मत आओ। ये खुद को समझता क्या है? लंबा रास्ता है, अगर वैंस शॉर्टकट ले सकता है तो मैं भी रुकूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पीछे मत आना। तुम ठीक हो? लगता है सब ठीक है, या शायद नहीं। तुम्हें लगता है तुमने मुझे हरा दिया सीडो, पर यह तुम्हारी गलतफहमी है। अब देखो महान प्रॉन्टो की ताकत, देखो मैं क्या क्या कर सकता हूं। मेरा सर घूम रहा है सीडो। ये रेस अब मेरे लिए एक चैलेंज बन चुकी है। पता है ना, ये शॉर्टकट नहीं है। मुझे सब पता है, मैं जानता हूं सब मुझसे डरते हैं। कोई भी मेरे रास्ते में शैडो क्लैन। यकीनन वो इस रेस का हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है तुम सही हो, चलो।
चलो बच्चे और तेज, जल्दी करो, आओ। पीछा नहीं छोड़ रहे, यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। आगे रास्ता खत्म हो जाएगा, हम फंस चुके हैं। फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। तुम कर क्या रहे हो? खुद को बचा रहा हूँ ताकि फिर से रेस में शामिल हो सकूं। ये रेस है, तुम रेस में ही हो। तुमने स्लगलिंग रूल तोड़ा है। रूल ये है कि हम दूसरे रेसर पर फायर नहीं कर सकते, पर वो रेस जीतने की कोशिश नहीं कर रहे। चलो साफ बराबर, तुम्हें थोड़ी भी अक्ल है तो इस रेस को अभी छोड़ दो। तुम ठीक हो? हो जाऊंगा उस सीडो को हराने के बाद। जाए उन क्रिस्टल्स को मत छूना। क्यों? सवाल कम, मुझे सीडो को हराना है। तुम्हें लगा था मैं तुमसे हार गया। ये बताओ तुम कौन हो? प्रॉन्टो। मुझे यकीन है तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सीखना होगा वो ये सब कैसे करता है। बहुत अच्छे, अब वापस आ जाओ। आगे जाना होगा। बढ़िया आइडिया बनती है। हे, क्या हाल है? हार मान लो, जीतूंगा तो मैं। ब्लैक जैसे बुरे लोगों का साथ देकर तुम नहीं जीत सकते। बीस्ट महंगे होते हैं, मेंटेनेंस में खर्च होता है, फिर चाहे कोई भी खर्च करे। तुम गलत हो, ब्लैक अच्छा आदमी नहीं है। मैं तुम्हें जीत कर वो स्लग हासिल नहीं करने दूंगा। फंस गए। रुको, ये तुम क्या? लगा मुझ पर हमला करोगे। मैंने तुम्हारी जान बचाई, वैसे भी यह नो स्लगिंग रूल है, इसलिए चाहूं तो भी हमला नहीं कर सकता। तुम पागल हो, एक स्लग के लिए अपनी जान पर खेल रहे हो। मैं तुम्हें ब्लैक के लिए वो स्लग जीतने नहीं दूंगा, पर मैं चीटिंग करके नहीं जीतना चाहता। वैसे भी अब तक मैं हर खतरे को हैंडल कर पाया हूँ।
बस अभी तक। कमाल दिखाओ बच्चों। तेज नहीं जा सकते, खुद को मारना चाहते हो? नहीं तो मुझे जीतने दोगे? भूल जाओ। मुझे लग रहा था कोड इस रेस के बारे में सही था, अगर हम मारे गए तो हमेशा के लिए मुझे ताने देता रहेगा। उम्मीद है ये काम करेगा। पकड़े रहना दोस्तों। वैसे पकड़े रहने की जरूरत तो मुझे है। सुना बर्फी, हम जीत गए और ये आया इलाई शेन, जो आया है दूसरे नंबर पर। थैंक यू, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं बस अभी आया, माफ करना, सेकंड आने पर कोई इनाम नहीं मिलता सिवाय इसके। सच में? मैं इसे रख सकता हूँ? मैं जीता, मेरे लिए वही इनाम है। मैंने कहा था मैं एक रेसर हूँ, स्लिंगर नहीं। ब्लैक का क्या, वो तो तुमसे उम्मीद लगाए बैठा होगा। तुमने इसे उसके हाथ लगने से रोकने के लिए जो कुछ किया उसे देखकर मुझे लग रहा है ये उसके पास नहीं होना चाहिए। पर ये उनके पास ही जाएगा। मैं खुद ये स्लग उन्हें दूंगा। क्या तुम ब्लैक के लिए काम करते हो? क्या तुम्हें वाकई लगा था ब्लैक वैंस वोल्ट जैसे शो ऑफ करने वाले को ऐसा काम देंगे? मैं रेस में उनका असली खिलाड़ी था। ऐसा समझ लो कि मैं अपना काम तुम दोनों से करवा रहा था। अब मुझे उनका चहेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्लैक पूरी तैयारी करते हैं, इसीलिए तो वो जो चाहते हैं वो पाकर रहते हैं। उसने अब तक इसे नहीं पाया है। तुम्हें वाकई लगता है तुम इतने तेज हो? पता नहीं, देखते हैं। देखो मोल, उस लग वापस करो वरना मैं। जरा एक मिनट के लिए रुको बच्चे। तो क्या कह रहे थे? तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुमने हार मान ली है। ब्लैक ने मुझे इस काम के लिए अच्छी रकम दी है। अब हथियार डाल दो, जल्दी करो। ये आवाज तो मैंने पहले कहीं सुनी है। तुम? चलो, तुमने मुझे पहचान तो लिया। प्रॉन्टो, तुम्हारा पुराना जानी दुश्मन। तुम एक मोल को गाड़ नहीं सकते। मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए वापस जरूर आऊंगा एक दिन। नाम है प्रॉन्टो, कमाल का राइडर। तुम्हारे स्लग के लिए अफसोस है। पागल हो क्या? मुझे तो खुशी है वो ब्लैक के हाथ नहीं लगा। अच्छी शूटिंग थी, अच्छा वॉर्म है। बचाओ, रुक जाओ, दर्द हो रहा है, रुक जाओ। और इस तरह मैंने सबको बचा लिया।
अगर ये सच हुआ तो मैं अपना ये औजार खा जाऊंगा। इस बात का गवाह सिर्फ इलाई है, मैं बेहोश था। एक्चुअली बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। खाना शुरू करो केव ट्रोल। हम वक्त पर फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, पर जरूरी बात यह है, ट्रांटो ने सीडो को हरा दिया और हमने ब्लैक को रोका। ये तो जीत से भी अच्छा है। जबकि तुम हार गए मेरे आगे। ये तैयार है बिल्कुल नए जैसा। इसमें कुछ नई चीजें भी डाली हैं। तुम्हारी टीम अच्छी है और तुम्हारा लीडर भी। वैसे अब ब्लैक तुमसे बदला लेना चाहेगा अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहो तो। थैंक्स, पर मैंने कहा था वैंस वोल्ट एक रेसर है, स्लिंगर नहीं। वैसे भी मुझसे बदला लेने के लिए ब्लैक को मुझे पकड़ना होगा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुम यहां से तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम मुझे अपने मूव्स ना सिखा दो। नए मूव्स तो मुझे भी सीखने हैं। और मुझे भी। पहले मुझे पकड़ो। इसमें इतना मजा क्यों आ रहा है? रिक्सी, कॉड, आगे से रोक। और मैं उसे पीछे से जाकर रोकूंगा। वो अभी हाथ नहीं आ रहा, ट्रांसफॉर्म होने पर क्या होगा? पीछे से जाना भारी पड़ेगा। हम खाई कभी पार नहीं कर पाएंगे। पार कर लेंगे। मैंने सबके बीस्ट को अपग्रेड कर दिया है। पकड़ लिया। जानता था ये अपग्रेड किसी काम के नहीं होते। तुम हिलना बंद करोगे प्रॉन्टो, मैं इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूं। देखा ना, मैंने कहा था अरैकनिड स्लग्स किसी काम के नहीं होते। हाँ, पर उसी स्लग ने आज हमें बचाया। बिना उसके जाल के हम यहाँ नहीं होते। मुझे तुम्हारे मैकेनिकल हुनर पर शक है मिस्टर केव ट्रोल। हाँ, तुम तो इस सब में माहिर हो। फिर क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ। मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर तुम मुझ पर प्रैंक्स करने में वक्त कम बर्बाद करो तो शायद
मैं तुम पर प्रैंक्स नहीं करता। देखते हैं। केव कौन? आराम करते हैं। सैंडविच। तुम गलत हो प्रॉन्टो, मुझे तो ये वक्त की बर्बादी नहीं लगती। अब काम की बात करते हैं। वो अचानक बंद कैसे पड़ गए? मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। टर्बो कनेक्टर्स ठीक हैं, पावर ट्रांसमिशन सही है, थर्मो कपलर्स भी चल रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा, मेरा दोस्त ग्रेंडल वेस्टर्न मैक फैक्ट्री में हेड इंजीनियर है। सर्विस अपग्रेड्स मुझे सबसे पहले मिलते हैं। बीस्ट अच्छे से चलने चाहिए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। क्या हम इन्हें फैक्ट्री में नहीं ले जा सकते? वो बता पाएंगे क्या हुआ है? मैंने गलत कहा? तुम्हें पता है ना केव ट्रोल्स कितने अभिमानी होते हैं। ये सड़ा हुआ खाना खा लेंगे पर हार नहीं मानेंगे। गॉड, तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए। वैसे तुम एक हीरो बन जाओगे अगर तुमने फैक्ट्री वालों को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया। हाँ हाँ हाँ, शायद तो तय रहा। भले ही रास्ता खतरों से भरा हो, ये बहादुर प्रॉन्टो तुम्हें वेस्टर्न फैक्ट्री तक जरूर ले जाएगा। इसे कहते हैं एक फैक्ट्री। मैंने कहा था मैं तुम्हें वेस्टर्न फैक्ट्री तक ले आऊंगा। वैसे हर तरफ इस जगह का रास्ता दिखाने वाले साइंस लगे थे, और जरा देखो ये कितना ऊंचा है। फिर भी मैंने इसे ढूंढ लिया। क्या काम है? हम ग्रेंडल से मिलने आए हैं। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? हेड इंजीनियर से मिलना है। तो मिल लो, मैं ही हूँ। मैं हूँ डेरियस योरमैन, यहाँ का हेड इंजीनियर। ग्रेंडल कहाँ है? वो अब यहाँ काम नहीं करता है। अच्छा, क्या कोई हमारे बीस्ट को चेक कर सकता है? हम मरते मरते बचे हैं। क्या सच में? मैंने इंटरलिंक सर्वोस रिकैलिब्रेट किए, हाइड्रोलिक्स को साफ किया और प्रेशर सील्स को भी बदल दिया। क्या तुमने ऑन स्विच को हिलाकर देखा? मजाक कर रहा हूं। तुमने कहा यह गड़बड़ी कल शुरू हुई थी। पिछले हफ्ते रिकॉल पार्ट्स डाले थे और मैंने इनकी जांच भी की थी, पर एक मिनट, तुमने इनको अपग्रेड किया है? ये कैसे हो सकता है? मैं एक एडवांस फील्ड टेस्टर हूं, नए पार्ट्स ऑटोमेटिकली मेरे पास भेजे जाते हैं, वो भी सबसे पहले। चलो अच्छी बात है। इन बीस्ट को लेवल 3 डायग्नोस्टिक दो, ऊपर से नीचे तक। जी सर। तो अब आए हैं तो एक टूर हो जाए, मुझे देखना ये सब कैसे होता है। वो ग्रेंडल हमें सब दिखाता था। ठीक है, मैं भी तुम्हें जल्दी से सब दिखा देता हूं। सारा कच्चा माल अब ईस्टर्न कैवर्न से इंपोर्ट किया जाता है। हर महीने करीब 400 टन स्टील गलाया जाता है और एक भी बूंद बेकार नहीं जाती। उसे छूना मत, वरना ढेर सारा पिघला हुआ मेटल सीधे तुम्हारे सिर पर गिरेगा। मुझे अपने सिर पर कुछ भी नहीं गिरवाना, समझे? चलो। ओह कूल, वो जरूर बीस्ट का दिल है। वो उसी पावर से धड़कता है जो हमारे स्लग्स में बहती है। कमाल है ना, नहीं पता वो ये कैसे करते हैं। मॉलिक्यूल ट्रांसफर करके। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम होशियार हो तो स्लग तेरा के सारे बीस्ट इसी फैक्ट्री में बनते हैं? हाँ, यहीं बनते हैं। उम्मीद है जो हमारे बीस्ट के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। फिक्र मत करो, हम इसकी तह तक पहुँचेंगे। बिना बीस्ट के स्लग टेरा में एक भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, और सब लोगों को ट्रैवल करने के दूसरे तरीके ढूंढने होंगे, जैसे डॉक्टर ब्लैक की स्लग टेरेन एक्सप्रेस। पर हम ऐसा नहीं होने दे सकते, है ना? देर कर दी, जो मुझे इंतजार करवाता है वो मेरे पिशाचों का खाना बनता है। क्या शिपमेंट में प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मैं वहां बाल बाल बचा।
मैं वहाँ फिर कभी नहीं जाना चाहता हूँ डॉक्टर ब्लैक, वो जगह तो भयानक है। सारे निकम्मे मेरे साथ हैं, इसे अंदर ले जाओ। अब जरा इसकी ताकत देखी जाए। एक और बढ़िया बैच। अब मुझे लग रहा है कि हम पिशाचों के आगे भी सोच सकते हैं। तो उम्मीद है तुम सबको अच्छा लगा होगा कि हम बीस्ट को बनाते वक्त क्वालिटी और प्यार में कोई कसर नहीं छोड़ते। इतना ही, तुम हमें फाइनल असेंबली एरिया नहीं दिखाओगे? वो रीमॉडल हो रहा है, मैं कैंटीन दिखा सकता हूँ, तुम वहाँ जो चाहो खा पी सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कैंटीन का सारा खाना खत्म हो जाए तो मुझे मंजूर है। ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। जो भी मुझे मुफ्त में खिलाता है वो मेरा दोस्त है। ग्रेंडल आखिर यहाँ से चला क्यों गया? उसे एक काम पसंद था। तुम बच्चों को सिर्फ सवाल पूछना ही आता है। नीचे क्या है? बस स्पेयर पार्ट्स। तो मिल्क शेक कौन पिएगा? मैं। चलो प्रॉन्टो, मुझे ये चेक करना है। पर वो शेक्स। ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी इस तरफ। मैं काम में बहुत माहिर हूँ, वो है खतरे से बचना और बचकर उससे भी बड़े खतरे में जाना। ठीक है, बहुत दर्द हो रहा है, अलविदा दोस्त। मैं यही सोच रहा था। बस क्या कर रहे हो? आग का सामना आग से। बैक ट्रैक। तुमसे प्यार हो गया। स्लग, प्यार का जवाब आग से क्यों? टेक लॉग अल्फा जी रिकॉर्डिंग। पिशाच बनने का सीक्वेंस शुरू। को पिशाच बना रहे हैं, इसमें ब्लैक का हाथ है। हाँ, अब पिशाचों का राज होगा। अफसोस तुम देखने के लिए जिंदा नहीं हो गए। ये रहा कैंटीन, तुम जितने चाहो उतने मिल्क शेक पी लो। तुम्हारे वो दोनों दोस्त कहाँ हैं? अटेंशन, लेवल 8 में घुसपैठी है। तुम कोई इंजीनियर नहीं हो, है ना? होशियारी मत करना। होशियारी? इसकी फिक्र मत करो, मेरे पार्टनर को तो इस शब्द का मतलब भी नहीं आता। मेरा ट्रैकर मुझे ऐसी ही किसी मुसीबत में फंसा देता है। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मुझे तो लगता है इस मॉल में दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। पहली बात, मेरे पास भी अपना दिमाग है। दूसरी बात, अगर तुमने कुछ और कहा तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। एक मोलोनॉइड इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये क्या? खुजाने से खुजली और बढ़ेगी। मेरे ख्याल से अब हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये खुजली जान लेके रहेगी। तुम कमाल के एक्टर हो इलाय। इस तरफ। क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? नहीं।
क्योंकि तुम मेरी तरह अपनी नाक से चीजें नहीं सुन सकते। वो आ रही है उस तरफ से। सफाई का सामान, यहां गंदा खाना है, यहां ग्रीस है, और मुझे लगता है तुम्हें इस दरवाजे के पीछे कुछ काम का मिलेगा मेरे प्यारे दोस्त। बहुत अच्छे प्रॉन्टो। तुम सब यहाँ टांग अड़ाने के लिए आ गए। तुम भी क्रैश होकर खत्म क्यों नहीं हो गए जैसे बाकी सब होने वाले हैं? तुम ब्लैक के लिए काम करते हो ना? अरे वाह, फिर तो तुम ये भी समझ गई होगी कि डॉक्टर ब्लैक कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। और अब मैं भी अपना असली काम पूरा करूंगा। टूर खत्म। सही वक्त पर ढूंढ लिया। और भी कुछ ढूंढा है? देखो बेसमेंट में किसे बंद किया था। ग्रेंडल, शुक्र है तुम ठीक हो दोस्त। अभी मेल मिलाप का वक्त नहीं है दोस्त। इससे पहले कि वो उन खराब बीस्ट को पूरे स्लग टेरा में फैला दे, हमें कुछ करना होगा। सही कहा, हमें चलना चाहिए। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ग्रेंडल, उनका ध्यान हटा सकते हो? नेकी और पूछ पूछ। तुम मेरे साथ आओ। अरे आखिर यहाँ क्या हो रहा है? बीस्ट को पिशाच बना दिया। क्या, एक मशीन को पिशाच कैसे बना सकते हैं? वो उनके दिलों में बह रही एनर्जी को खराब कर देते हैं। मैंने ये होते हुए देखा है। इससे हमारे बीस्ट के साथ क्या होता है? पहले उनका बर्ताव अजीब हो जाता है, फिर वो पूरी तरह पगला जाते हैं। फिर उन बदमाशों की वजह से मुझे खुद पर शक हुआ। ऊपर से मुझे लगने लगा कि मैं एक बुरा मैकेनिक हूँ। और फिर ये फटने वाली चीज भी। वो सभी को अपग्रेड्स भेजने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा, हम इस जगह को बंद कर देंगे, पर पहले अपने बीस्ट को बचाना है। मुझे बुरा लग रहा है फर्नांडो, पर मुझे तुम्हें यहाँ फटने के लिए छोड़कर जाना होगा। शायद नहीं प्रॉन्टो, तुम्हारा क्या ख्याल है डॉक? उनको खत्म कर दो। ट्रिक्सी कॉर्ड, मुझे मदद चाहिए। हमारे स्लग्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। मेरा कमाल, कुछ करना होगा। शांत हो जाओ। तुमने कर दिया, क्या फिर से ऐसा कर सकते हो? शांत हो जाओ।
चलते हैं। अपने बीस्ट को ठीक कर दिया, कोई बात नहीं, पर इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। आखिर में जीत तो डॉक्टर ब्लैक की ही होगी। हम तुम्हें गलत साबित करके रहेंगे। पीछे हटो, प्रॉन्टो तो तुम्हें बचाएगा। ये तो कबाड़ है। मुझे ऐसा करके बहुत मजा आएगा। अब बोलो क्या कह रहे थे। फर्नांडो, मुझे लगा तुम ठीक हो गए। सब लोग भागो, ये फटने वाला है। असल में ये मैं कर रहा था, मैंने किसी खास मौके के लिए बचा के रखा था। तुम्हारे प्रैंक्स कमाल के हैं, मुझे तुम्हें गले लगाना है। आओ मेरे गले लग जाओ। रहने दो, मजाक कर रहा था। डॉक, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आखिरी था। बहुत अच्छे डॉक। जब ये बात बाहर निकलेगी तो डॉक्टर ब्लैक का असली चेहरा लोगों के सामने आ जाएगा। मुझे ये देखकर खुशी है कि स्लग टेरा के पास एक शेन है फिर से। इसे सब कुछ मैं ही तो सिखा रहा हूं। एक और बदबूदार ब्लास्ट मजे के लिए। रास्ते के लिए कुछ बचाओ। जैसा कहो। ब्लैक ने कुछ किया तो? मेरे इंजीनियर्स इस पर काम कर रहे हैं। अब ब्लैक चाहे जो भी चालाकी करे, मैं वादा करता हूं कि वो हमारे बीस्ट के साथ अब कुछ भी नहीं कर पाएगा। बीस्ट्स को अपग्रेड करने का हमारा प्लान नाकामयाब रहा। गलती से भी मत जाना। दिखने में थोड़ा डरावना है, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है। सांस रोक लो वरना बुरी आत्माएं तुम्हारी नाक में घुस जाएंगी। ठीक है, ये एक अंधविश्वास है। मैं किसी के लिए सांस नहीं रोकता। अगर तुम कह रही हो तो। बेकार में डर रहे हो, मैं उसे करीब से देखने जा रहा हूं। बेवकूफी मत करो इलाय। फ्राइड गाइस स्लग्स डेडबीट के ही होते हैं ना, अगर हमें कुछ मिल जाए तो। चलो भी दोस्तों, तुम सबका जोश कहाँ गया। ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम्हें यहां पर मिलेंगे सिर्फ। बीमार उल्लू। ये क्या तुम भी ना इलाय, हम भूतों की बात कर रहे हैं। मैं भूतों से नहीं डरता क्योंकि वो होते ही नहीं है। हम तुरंत बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तुम सब यहीं रुको, मैं बस अभी आया।
इलाय। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इलाय, तुम कहाँ हो दोस्त? तुम बहुत ही बुरे हो। तुम सबके चेहरे देखने लायक थे। मुझे डराने की कोशिश मत करो। हमने कुछ नहीं किया। ये बंद है, हम फंस गए। शायद मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। बेकार में अंदर आ गए, बाहर ही रुकना चाहिए था। किसी को पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। भूतों को रिकॉर्ड कर लेंगे। कुछ लोग मिल जाएं तो बेहतर होगा। आखिर सब कहाँ चले गए? ये सोने की खान हुआ करती थी, फिर सालों पहले वीरान हो गई। इसकी वजह जानने यहाँ कई लोग आए और चीखते हुए बाहर निकले, और कुछ तो कभी बाहर निकले ही नहीं। अच्छा है, हम एक नया स्लग ढूंढेंगे और एक और रहस्य भी सुलझाएंगे। मुझे तो बहुत ही अच्छा फुटेज मिलेगा हम सबके खत्म होने का। बस देखना कि मैं बहादुर दिखूं जब वो भूखे भूत मेरे दोनों दिमाग खा रहे होंगे। तुमने दो दिमाग कहा? हाँ बिल्कुल, मोलोनॉइड्स के दो दिमाग होते हैं। इससे हमें दुगना डर लगता है और हम दुगने टेस्टी होते हैं। प्रॉन्टो, ये एक शॉवल है। कोहरा गहरा है, दिख नहीं रहा। चलो वापस चलो, मुझे दोनों दिमाग प्यारे हैं। कोई तुम्हारे दिमाग नहीं खाना चाहता प्रॉन्टो। क्या मेरे दोनों दिमाग कड़वे हैं? ये हमें इस कोहरे में रास्ता दिखाएगा, सोनार स्कोप। अब ठीक है, अब हम सब साफ देख पाएंगे। तुम्हें यकीन है वो काम कर रहा है? माफ करो, मैंने इसे उल्टा लगा दिया था। मैं तो वापस जा रहा हूँ। मजा आ रहा है, ये हैलोवीन जैसा है। हैलोवीन क्या है? ओ, एक पुरानी शेन परंपरा है। हम डरावने कॉस्ट्यूम्स पहनकर पड़ोसियों से कैंडी मांगने जाते हैं। जबरदस्ती की वसूली। प्रॉन्टो, मैंने तुम्हें इतना डरा कभी नहीं देखा। मैं डरा नहीं हूँ, बल्कि बहुत डरा हूँ। वापस जाओ। बहुत ज्यादा। मैं गलत हो सकता हूं, पर वो किसी की आवाज हो सकती है। बीमार उल्लू की? उसने कहा वापस जाओ। हवा थी, अगर कोई मुझसे पूछे तो हवा कभी नहीं कहती कि वापस जाओ। हाँ शायद तुम सही हो। प्रॉन्टो देखो, एक और दिमाग खाने वाला भूत। मजाक बंद करो केव ट्रोल, वापस जाओ। भूत? मैंने कहा था। मुझे नहीं लगता वो दोस्ती करना चाहते हैं। चलो उन्हें दिखा दे दोस्तों। क्या फायदा नहीं? इस तरफ। सब अंदर आ जाओ। पकड़ के दिखाओ भूतों। इन्हें देखा ना होता तो मैं कभी नहीं मानता। वो पीछे रह गए।
नहीं। चले जाओ भूतों, मुझसे डरो। चले क्यों गए? छुपो, वो आ रहे हैं। नहीं सुनो, ये कुछ और है। ये कैसी जगह है? सबटेरेनियन एक्सप्रेस यहाँ नीचे क्या कर रही है? डेडबीट में स्टेशन नहीं था, ये नया है, एकदम नया। ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। डॉक्टर ब्लैक का सबसे खतरनाक मोहरा एल डियाब्लस नाचो। तुम्हारे पास एक घंटा है, अपने सूट्स पहनो और काम पर लगो। ये क्या हो रहा है? वो वापस आ गए। वापस जाओ, मेरा जवाब अब भी ना है। वो एक फ्राइट गाय स्लग है नहीं था, उसे एक पिशाच बना दिया गया है, वो बदल गया है। वो कुछ वक्त के लिए आपको डरपोक कायर बना देता है। हमारे स्लग्स ने तो उन पर असर नहीं किया था। इसलिए क्योंकि वो स्लग एक पिशाच है, ना जाने ब्लैक उनके साथ क्या कर रहा है। उन भूतों को सुना, उन्होंने उसे भी वापस जाने को कहा। किससे वापस जाने को? ठीक है साथियों, हम अंदर जा रहे हैं, दरवाजा खोलो। ये क्या कर रहे हैं? मैं साथ चलूंगा, बेहतर होगा कि हम यहीं पर रुकें, या फिर हम जल्दी से दूसरी तरफ भागें। उस तरफ कोई मेरी बात मानता क्यों नहीं? हमें उस कंट्रोल रूम के अंदर जाना होगा। ये मुझ पर छोड़ दो। कोई है? पासवर्ड बताओ। आउच, हाँ यही था। ध्यान दो साथी, उस सुरंग के दरवाजे को खोलने वाला स्विच भी ढूंढो। जरा इसे देखो। इसमें देखने जैसा क्या है? ये उनमें से जिनसे हम लड़ रहे थे, ये वही है। वो कभी जिंदा था, अब एक भूत है, तो उसमें क्या? यहाँ के माइनर्स यहाँ से गए ही ना हो तो उन्होंने कहा था वापस जाओ। शायद वो हमें चेतावनी दे रहे थे कि उनके साथ जो हुआ वो हमारे साथ होने से पहले हम यहाँ से चले जाएं। अच्छी सलाह है, हमें अमल करना चाहिए। देखते हैं ब्लैक यहाँ से क्या ले जा रहा है। बहुत अच्छे प्रॉन्टो दोस्तों, जरा यहां देखो, नीचे एक माइनिंग ऑपरेशन चल रहा है। वो क्या चीज है? सेफ्टी सूट्स ऐसे ही नहीं पहने जाते, वो कोई खतरनाक चीज ले जा रहे हैं। काला पानी, जानते हो वो क्या है? शायद मैं जानता हूं, पर वो अच्छा नहीं है। बूढ़े ट्रोल्स उसे क्रूम जनूल कहते थे, मतलब काला पानी। हमारी गुफा इतनी ही गहरी थी, कभी कभी चट्टानों के दरारों से वो पानी अंदर आ जाता था। आसपास अजीब अजीब चीजें होती थी, बहुत ही अजीब चीजें। वो काले पानी के साथ क्या कर रहे हैं? दोस्तों,
इससे ही ब्लैक आर्म स्लग्स को पिशाच बना रहा है उस काले पानी से। इतने पानी से ब्लैक स्लग टेरा के हर स्लग को पूरा बना सकता है। अगर ब्लैक काला पानी ना ले पाए तो वो और पिशाच नहीं बना पाएगा। हमें उस कुएं को तभाह करना होगा। बर्फी तैयार है? मैं भी। मैं नहीं। चलो भी प्रॉन्टो। देखो प्रॉन्टो यहां से कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाए। तुम नहीं जा सकते। इरादा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सही कहा, अभी हमारा पलड़ा भारी नहीं है। तुम भूतों से डरते हो, पर ऐसा कुछ है जिससे तुम नहीं डरते। तुम सही काम करने से नहीं डरते, खासकर अगर उसमें तुम्हें शोहरत मिले तो। हाँ, शोहरत चाहिए। ठीक है, मैं चलूंगा। हम हमला नहीं करेंगे, इससे भी बेहतर रास्ता है। इससे बात नहीं बनेगी। हाँ बनेगी, नाचो नहीं दिख रहा और बाकी सब अपना काम करने में बिजी है। तुमने कहा था उस पानी के पास अजीब चीजें होती हैं, पर किस तरह की चीजें? ऐसा लगा जैसे किसी ने आपकी जान ही बाहर खींच ली हो। इसीलिए उन्होंने वो सूट पहना है। वो माइनस भूत नहीं है, बस उन पर काले पानी का असर हुआ है। इसे बंद कैसे करें? इसे उड़ा देते हैं ताकि गुफा में पानी भर जाए। नहीं, हमें उस पंप के पास जाकर उसे मैन्युअली बंद करना होगा। हाँ, हम उन गार्ड से कैसे निपटेंगे? देखो, इस काम को निपटाने में मुझसे माहिर कोई और नहीं है। गंदे कीड़ों हटो। बढ़िया, तुमने सुना नहीं, हट जाओ गंदे कीड़ों। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, देखो इसका क्या हाल हो गया। बचना चाहते हो तो जाकर ट्रेन में बैठ जाओ। देखा, मैंने कमाल कर दिया ना। अब इसे बंद करते हैं। देखो, ये काम करना इतना आसान भी नहीं है। ऐसे खड़े मत रहो, जाओ काम करो। ट्रोल, सोचो जल्दी, वरना उन्हें हमारी चाल समझ में आ जाएगी। क्या देख रहे हो? इन्हें रोको। देखता हूं, पता लगाओ इस जगह को बंद कैसे करना है। नाइट गाइस ने वार कर दिया। कोई तो रोको इसे। मैं दिखाता हूं उन्हें। बढ़िया, जाओ वरना नहीं छोड़ूंगा। बड़े आए थे प्रॉन्टो से पंगा लेने। उसने मुझे डरा ही दिया था। हमें टीम के पास वापस जाना है। उस फ्राइड गाइस स्लग का असर अब भी महसूस हो रहा है।
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा बर्फी। तुम जरूर एक फ्राइड गाय स्लग हो, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम जैसे स्लग को तो मेरी टीम में होना चाहिए। रुको रुको, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ये सब ब्लैक के उस कुएं को खोदने के बाद शुरू हुआ है ना। इतने दिनों से तुम बस लोगों को दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे ताकि उनके साथ ऐसा ना हो। मैं और मेरे दोस्त ये सब खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या तुम हमारी मदद करोगे? हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। हम घिर चुके हैं। इलाई कहाँ है? तुम कहाँ हो इलाई शेन? कमाल दिखाओ बर्फी, फायरवॉल। तुम लड़ना चाहते हो ना, नाचो फिर आकर ढूंढो मुझे। मैं तुमसे नहीं डरता। नहीं, पर अब डरोगे। नहीं, ट्रेन में चलो। हमें यहां से बाहर निकालो। उसे रोको। स्लग ने कंट्रोल रूम तबाह कर दिया। यहां कुछ भी काम नहीं कर रहा। ये फटने वाली है। उस पाइप को बंद करना होगा। बचाओ, तुम सही हो। वो तो हूं। रुको, सही क्यों? फिर से प्रॉन्टो ने सबको बचा लिया। ठीक है दोस्तों, काम हो गया। ये कुआं हमेशा के लिए बंद हो गया और हम देखेंगे कि ये बंद रहे। देखो, असर उतर रहा है। देखा तुमने, मैंने कहा था भूत जैसा कुछ नहीं होता। क्या हुआ था यहां? बड़ी लंबी कहानी है। ये जगह एक सोने का खान हुआ करती थी, फिर ब्लैक इंडस्ट्रीज ने वो कंपनी खरीद ली और बिजनेस ही बदल गया। ब्लैक ने हमसे एक कुआं खुदवाया। जब तक हमें पता चलता कि वो क्या है, देर हो गई थी। हम उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर उन पिशाचों और हमारी कमजोर हालत की वजह से हम उन्हें रोक नहीं पाए। अगर तुम लोग ना आते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। तुम लोग यहाँ आए क्यों? किसी को यहाँ से
आतिशबाजी। आतिशबाजी होती है बूम। सुनो वो कहां से आया? शेन गैंग। तुम हमें भूले नहीं, तुम्हें पता ही होगा आगे क्या होने वाला है। देखा लॉर्ड, ये शेन गैंग तो हमारे आगे धूल चाट रही है। बिल्कुल सही कहा, वो हमारे सामने कुछ नहीं। सही कहा। वो अभी कमजोर हैं, यही मौका है उन्हें हराने का। लगता है हमें चलना चाहिए। नहीं, भागो। फैंडेंगो स्लग्स के साथ क्या कर रहे हो? इनमें काफी शक्ति होती है, पर ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हमें इनकी इसी शक्ति की तो जरूरत है। ये ड्यूलिंग के लिए नहीं है, ये बुलजाई कैवर्न चलेंगे। कोई चीज इन स्लग्स को वहां से भगा रही है और इनकी संख्या वहां से कम हो रही है। हमें इनकी वापसी के लिए फैंडेंगो स्लग शक्ति की जरूरत है। तुम्हें लगता है कि फैंडेंगो उस गुफा में शक्ति भरकर उसे फिर से जिंदा कर देंगे? जब भी हम इन्हें ले जाने की कोशिश करते हैं, वो दोनों हमें रोक देते हैं। लॉक और लोड डॉक्टर ब्लैक के लिए काम करते हैं। उन्होंने बुलजाई के पश्चिम में हर रास्ते को तबाह कर दिया है। हमारे बीस चल नहीं रहे, हम इन स्लग्स को वहां पहुंचा नहीं पाएंगे। इन्हें हम ले जाएंगे। क्या सच में? हाँ, ले जाएंगे। तो तुम सच में विल शेन के बेटे हो? इस वक्त हमें एक शेन की जरूरत है। अगर ये स्लग्स दिन ढलने तक बुलजाई नहीं पहुंचे तो वो जगह हमेशा के लिए वीरान हो जाएगी। हम पहुंचा देंगे। तुम बहुत अच्छे हो इलाई शेन। चलो उन्हें लोड करें। क्या शेन गैंग उस लोड को बुलजाई ले जा रहा है? ये अच्छा नहीं हुआ। क्या हमें बॉस को बताना चाहिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ब्लैक को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चला तो वो मदद भेज देंगे। ये हमारा काम है, हम खुद ही इसे पूरा करेंगे और उनसे बड़ा इनाम लेंगे। जरा सोचो हम उन पैसों से क्या क्या कर पाएंगे। लोड, हम ढेर सारा सोना खरीदेंगे। मुझे बताओ, सारी गुफाएं स्लग एनर्जी से चलती हैं। तुमने ये बात स्कूल में नहीं सीखी थी? उस दिन मैं एब्सेंट रहा होऊंगा। अच्छा, यहाँ का जीवन जिस शक्ति के भरोसे है वो स्लग्स में ज्यादा होती है। जहाँ वो होते हैं चीजें भी उठती हैं उनके बिना। समझा, सब खत्म। पर ब्लैक क्यों चाहता है कि एक पूरी गुफा के साथ ऐसा हो? फंसा रहे हैं, प्रॉन्टो बाहर निकालो। लगता है वो अपने गंदे मकसद में कामयाब हो गए। मुझे गुस्सा आ रहा है। वहां एक रास्ता है। हमने तो उनको कुचल दिया। चलो मेरे भाई, हम नीचे जाकर तसल्ली कर लेते हैं, वो बड़े ही चालाक हैं।
हम बुरी तरह गिरे और मुझे गिरने में मजा नहीं आया। मेरा सर। ये अच्छी बात है कि हम जिंदा हैं। प्रांटो, हम कहाँ हैं? देखने दो। हम, हाँ, ध्यान से सुनो, हम अपने मुकाम से पूरी तरह भटक चुके हैं। क्या मैं इसके बारे में और बताऊं? कोई और रास्ता है? नहीं, कोई खुफिया रास्ता नहीं। कुछ भी? वो नहीं। तुम कुछ कहना चाहते थे, बताओ प्रांटो। वैसे शायद एक रास्ता है, पर वहां से जाकर हम बेवकूफी करेंगे। ऐसा कहते हो तो उस काम में बड़ा मजा आता है। नहीं, इस बार नहीं। बुलजाई तक जाने वाला ये दूसरा रास्ता मुश्किलों से भरा पड़ा है। रास्ता अंधेरा, लंबा और टेढ़ा मेढ़ा तो है ही। जिस इलाके से वो गुजरता है वो है शैडो क्लैन का। दोस्तों, नहीं नहीं, वहां से जाने की सोच रहे हो? वो तो यहां से बच निकले। कहा था ना, वो चालाक हैं। अगर इतने चालाक हैं तो उस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? वो तो शैडो क्लैन का इलाका है, उनका पीछा करें। वहां जाने से अच्छा है मैं ब्लैक का सामना कर लूं। वो वहां से नहीं बचेंगे। हमें तैयार रहना चाहिए अगर बच कर आए तो। डार्क परिफरी, शैडो क्लैन का घर। ये एक बहुत ही बड़ा मौका है। मेरा मतलब, आज तक किसी ने भी शैडो क्लैन को फिल्म में नहीं उतारा, उनसे बच निकलने वालों ने तो नहीं। तुम ज्यादा ही शांत हो प्रांटो। शांत नहीं हूं, मेरी बोलती बंद है। स्लग टेरा में उनसे बुरा कोई नहीं है और हम उनके इलाके से गुजर रहे हैं। मैं उन्हें पहले देख चुका हूं, वो डरावने तो हैं पर बुरे नहीं होंगे। शायद उन्हें कोई समझा नहीं। क्या तुमने ही कहा हम उनके इलाके की सीमा पर हैं? उन्हें हमारा पता नहीं चलेगा। कुछ सुनाई दे रहा है, जल्दी छुप जाओ। क्या ये जरूरी है? हाँ, लगता तो है। हिलना नहीं, शैडो क्लैन की नजर तेज होती है, सूंघने की शक्ति भी। वो मोलोनर्ड्स को डराकर खत्म करने में माहिर हैं। वो नहीं दिख रहे। अच्छा है, उनके आने से पहले वापस चलो। नहीं जा सकते, बुलजाए को उन स्लग्स की जरूरत है। ठीक है, काश इस बेकार जगह से छुटकारा मिल जाए। डैड शैडो क्लैन के बारे में बताते थे, कैसे वो स्लग्स से बात कर सकते हैं और यहाँ पर हैं। दोस्तों, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, पर हमारे पीछे कुछ हिल रहा है। लगा वो पीछे रह गए। मेरे पास मोलोनॉइड ट्रैकिंग ट्रिक्स हैं जिनसे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। सूखे पत्थर, इन पर हमारे निशान नहीं बनेंगे। हवा दूसरी तरफ बह रही है, वो हमें सूंघ नहीं पाएंगे। पीछे आओ, तुम सब किस्मत वाले हो कि स्लगटेरा का सबसे अच्छा ट्रैकर तुम्हारे साथ है। हमें तेज जाना होगा। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, वक्त है एक और शानदार मोलोनॉइड हुनर को दिखाने का। भागो। तुमने देखा, मैंने तुम्हें अपने हुनर से बचा लिया। अपनी तारीफ सुनने के लिए मैं बुलजाई तक पहुंचने का इंतजार करूंगा। मैं उस शैडो क्लैन से फिर से सामना नहीं करना चाहता। अब चलो यहां से। दोस्तों, बहुत सारे हैं, पास से देखते हैं। मजाक कर रहे हो या नहीं?
तुम्हें मजाक करना चाहिए। तुमने उन्हें करीब से देख लिया, अब चलो। आगे का रास्ता पूरी तरह खुला है, अगर हम अभी गए तो सब हमें देख लेंगे, उनका ध्यान भटकाना होगा। ये ठीक नहीं लग रहा। सही कह रहे हो। देखो यही सही मौका है। रुको बेवकूफ, वो हमें देख लेंगे। रुक जाओ। दोस्तों क्या हो रहा है? भागो। हम जहां जाएंगे वो हमें देख लेंगे दोस्तों, फिर हमारे पास आकर मुझे खा लेंगे। तुम दोनों उन स्लग्स को लेकर आगे निकलो, कोड और मैं उन्हें रोकते हैं। नहीं पकड़ पाएंगे, उससे पहले मैं खुद को खत्म कर लूंगा। तुमने हार मान ली? ये सोचो, आज तक कोई शैडो क्लैन के इतने करीब नहीं आया। लेंस कैप चेक कर रही हूं। तुम्हारे इलाके से गुजरने की माफी चाहते हैं, पर कोई चारा नहीं था। अगर हमने ये स्लग्स बुलजाए कैवन तक नहीं पहुंचाए तो वो गुफा अंधेरे में गुम हो जाएगी, मर जाएगी। हे, वो तुम्हारे नहीं है, तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? बुलजाए कैवन को इनकी जरूरत है। शायद वो हमें जाने दे रहे हैं, वो डर गए मुझसे। थैंक यू। तुमने उनसे क्या कहा? चलो जो भी कहा तुमने अच्छा किया। बुलजाई कैवन आ गया, मेरी तारीफ करना शुरू कर सकते हो। अब क्या? फैंडांगोस को छोड़ दो, वो अपने रहने के लिए जगह ढूंढेंगे और सब ठीक हो जाएगा। देखो शर्माओ मत दोस्तों, आगे बढ़ो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ है जो उन्हें पसंद नहीं। शायद देर कर दी। ये क्या? मेरे साथ रहो बर्पी, अपने स्लग्स को पकड़े रखो, इन पर भी असर हो रहा है। वो देखो बुलजाई कैवन आने का नया रास्ता। हमने कमाल का रास्ता बनाया। शेन गैंग वो भी आ गए। कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने देर कर दी, ये गुफा मर चुकी है और उनके स्लग्स यहाँ से जा रहे हैं।
एक मिनट रुक जाओ, हम अब भी इस गुफा को बचा सकते हैं। प्रॉन्टो, तुम जल्दी से उन फ्लैंडेंगो स्लग्स को इकट्ठा करो। अभी करता हूँ। पता करो वो क्यों जाना चाह रहे हैं। ठीक है। कोड समझ गया। अब तुम दोनों की बारी है। हमसे ड्यूल करना चाहते हो? ऐसे ही हार मानोगे तो भी चलेगा, तुम जीत नहीं सकते। और इतना ही नहीं, तुम हमसे हारोगे। स्लग्स, मैं कहता हूं रुक जाओ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, जूल्स पर कहीं मत जाना। ओके। जितना भी भागो, मैं ये दिन भर कर सकता हूं। तुम खुद को ही थका रहे हो। वैसे मैं क्या ढूंढ रही हूं? फैंडांगो स्लग्स। ये कैसे किया? बदमाश, तुम बाहर जाना चाहते हो। मेरे पास आइडिया है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उम्मीद है काम कर जाए। तुम्हें इस तरफ नहीं जाना है ना? बुलजाए। तो ये है इसकी वजह। मुझे इलाय को बताना होगा। स्लग्स खत्म। मेरे भी। अगर ये बाकियों के साथ चले गए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्लग्स नहीं बचेंगे। मान लो बच्चे तुम हार गए और हम जीत गए। ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैं हिंट देती हूँ। भागो, अपनी जान बचाओ। डॉक्टर ब्लैक से कहना अच्छी कोशिश थी। फ्राइड गाइस स्लग, बढ़िया शॉट। थैंक्स। डेडबीट में जाना हमारे लिए फायदेमंद रहा। तुम्हें कुछ दिखाना है। काला पानी। हाँ, इसी की वजह से वो स्लग्स जा रहे हैं। ब्लैक को लगा वो इस पूरी गुफा को बुरा बना देगा। ये रहा इसका इलाज। काफी सारा काला पानी। डॉक उसे बेअसर कर पाएगा? क्यों, डॉक तैरने के लिए तैयार। कामयाबी। सिर्फ एक। ये परफेक्ट है। इसे उस होल में फायर करो। इसकी अच्छी शक्ति महा की बुराई को मिटा देगी। प्रॉन्टो जल्दी करो। बात बन गई, हमें और चाहिए। बहुत अच्छे बर्फी। हाँ।
लेकिन सभी गुफाओं में ब्लैक ने इसी को खाली कराने का फैसला क्यों किया? क्योंकि ये जगह स्लगटेरा के बीचों बीच है, अब समझे बुलजाए। वो ये जगह हथियाना चाहता था, उसके लिए काले पानी का इस्तेमाल किया। सारे राज सुलझ गए? सारे नहीं, पता नहीं शैडो क्लैन ने हमें क्यों जाने दिया। काश तुम समझने में मदद कर पाते। कर दिया। मैं शैडो क्लैन को फिल्म में उतारने वाली पहली इंसान हूँ। मेरी बात सुनिए योर ऑनर, मैं बस कहना चाहता हूं कि मैं बेगुनाह हूं। मेरी गलती नहीं, ये सिर्फ एक छोटी सी गलतफहमी थी। इस शहर में रास्ते पर थूकना गैर कानूनी है। अब तुम्हें सजा के लिए जज लोगन के सामने पेश किया जाएगा। ये च्युइंगम थी, इसी वजह से मैं कोर्ट से रहम की भीख मांगता हूं। प्लीज योर ऑनर, प्लीज प्लीज प्लीज, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। गिल्ट। इसने ये किया तो था, तो जुर्माना भरकर चलते हैं। 50 साल की सख्त सजा दी जाती है। पचास साल। ओह, सब मेरी गलती है। मुझे ऐसा कुछ करना था जिससे वो मेरी गम चुराना छोड़ दे। मुझे लगा था इससे उसे एक सबक मिलेगा। योर ऑनर, आप ऐसा नहीं कर सकते। रास्ते पर थूकने के लिए 50 साल? देखिए, मैं इलाई शेन हूँ और मैं भी चाहता हूँ यहाँ इंसाफ हो। पर ये तो एक शेन, मैंने कभी शेन परिवार की परवाह नहीं की। पर तुम्हारे केस में थोड़ी नरमी बरत रहा हूँ और तुम्हें भी इस बदतमीजी के लिए माफ कर रहा हूँ। जेल में डालो। रुको, ये तो इंसाफ का खून है। तुम पर मेरी नजर रहेगी। मैं एक बेगुनाह मोल हूं। ट्रिक्सी कॉर्ड, देखना होगा जेल किससे बनी है। क्यों? कॉन्टो को बाहर निकालेंगे। मामूली क्रिमिनल की तरह बंद कर दिया, ये गलत बात है। प्रॉन्टो की कोई भी बात मामूली नहीं होती है। तो फिर तुम क्या हो, किसी तरह के क्रिमिनल मास्टरमाइंड? अरे हाँ, तुमने सही कहा, मैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हेड हूँ जो अपनी बुराई और खराब कारनामों के लिए बहुत मशहूर है। तुम्हें च्युइंगम थूकते हुए पकड़ा गया था, सच है, पर मैंने उससे भी बड़े बड़े गुनाह किए हैं। और तुम्हारी सजा क्या है? पब्लिक स्पीकिंग, इसे जोर से सांस लेने के लिए बंद किया और इसे ज्यादा मुस्कुराने के लिए। हाँ, वो जज लोगन एक रैकेट चला रहा है। वो अजीब अजीब कानून तोड़ने के लिए लोगों को कैद करता है और मजदूरी के लिए बेच देता है। कोई आम मजदूरी नहीं, मैंने सुना है वो सबको डॉक्टर ब्लैक को बेचता है। डॉक्टर ब्लैक? मेरे खबरी ने बताया, जज लोगन ब्लैक को अपने कैदी मजदूर के रूप में मुफ्त में देता है। कितना वक्त है? शायद कुछ दिन। जल्दी कुछ करना होगा, प्लान बनाते हैं। ये गाड़ी रोज जेल में सामान पहुंचाती है, मैंने ड्राइवर को सोना देकर उसकी जगह ले ली। अगर हमने ये कर दिया तो हम बिना दिखे सबको वहां से निकाल लेंगे। याद रहे दोस्तों, वहां सिर्फ प्रॉन्टो को ही गलत तरीके से कैद नहीं किया गया, और भी कैदियों को हमारी मदद चाहिए होगी।
उसके बाद हम जज को रोकेंगे। अब बताओ कौन सा शॉट मारना है? ये नामुमकिन शॉट है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं। क्या बात है? ये SVX 5000 स्कोप तुम्हें देता है हर एंगल, हर एक रीडिंग, हर एक ट्रेजेक्ट्री, ताकि तुम कमाल के शॉट्स मार सको। मैंने ये स्पीड स्टिंगर स्लग भी मंगवाया है। ये एक ऐसा स्लग है जो इस पर काम कर सकता है, क्योंकि स्कोप का सारा डेटा और एंगल्स इस छोटे से हाईटेक गॉगल्स में है। हाय स्टंट्स टीम में स्वागत है। प्लान डिस्कस करते हैं। पहले कॉर्ड जेल तक जाएगा और दिखाएगा जैसे सामान पहुंचाने आया है। ट्रिक्सी गार्ड का ध्यान भटकने पर इशारा करेगी। फिर मैं और स्पीड स्टिंगर देख लेंगे सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो। स्पीड पकड़कर गाड़ी से टकराएगा, फ्लैग पोल से रीबाउंड होकर कूलिंग टावर की ओर जाएगा, जेल की छत पर बैंक शॉट लेते हुए एयर वेंट के अंदर जाएगा, वहां एक बैंक शॉट लेगा, रोल करेगा, लॉक तोड़ेगा, अंदर जाकर हथकड़ी तोड़ देगा, फिर खाली रास्ते पर से बिना किसी को दिखे वहां से सबको बाहर निकाल लेगा। दोस्तों चलो प्रॉन्टो को बचाएं। चीज सब संभाल लेगी। समझ नहीं आ रहा, उम्मीद है तुम सब समझ रहे हो स्टंट्स। अरे अच्छा नहीं हुआ। ये क्या? हम बुरी तरह से नाकामयाब हुए। हमने तुमसे कहा था एलाय, तुम्हारे प्लान की इकलौती कमजोरी ये थी कि वो शॉट कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं, सिवाय मारियो ब्रावाडो के। मारियो कौन? क्या? ओ कम ऑन, मारियो ब्रावाडो यहाँ का सबसे महान ट्रिक शॉट स्लिंगर। जरा ये देखो। वो कोई भी शॉट मार सकता था। उसका अपना एक शो भी था। अब कहाँ है? अचानक ही उसने ये काम बंद कर दिया और अब वो किसी वीरान शहर में एक रेस्टोरेंट चलाता है। अब मारियो ब्रावाडो को वापस आ जाना चाहिए, वो भी जल्दी। ये वो जगह नहीं हो सकती। एक ट्रिक शॉट लेजेंड यहाँ क्यों रहेगा? रिकोशे पिज्जा में स्वागत है, जहां स्लग टेरा के सबसे अच्छे पिज्जा मिलते हैं। क्या खाओगे? मारियो ब्रावाडो हो तुम? नहीं, मैं मारियो पिज्जा वाला हूं। मुझे पता है तुम कौन हो और मुझे बताया गया है सिर्फ मारियो ब्रावाडो ही वो ट्रिक शॉट मार सकता है। वो मारियो रिटायर हो चुका है। मैं सिर्फ पिज्जा पाई ही स्लिंग करता हूं। तुम्हें बात करनी है तो कुछ ऑर्डर करो। मेरे एक दोस्त को पिज्जा नहीं तो बात नहीं। ठीक है, मैं लूंगा एक सुपर स्लिंगर सुपर चीज। तो ठीक है, एक सुपर सुपर चीज। तुम्हें अब उस शॉट के बारे में बताता हूं जिसकी मुझे जरूरत है मेरे एक दोस्त को। मैंने कहा था मैं रिटायर हो चुका हूं, मैं अब कभी भी एक स्लग फायर नहीं करूंगा। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। जज लोगन डॉक्टर ब्लैक को कैदी बेच रहा है। तुम्हें अपने कान ठीक कराने की जरूरत है। मैंने कहा ना। अब क्या करें? मैं फायर स्कॉर्पियन से घिरा हुआ था, पर उन्हें एहसास हो गया कि मुझ जैसा तगड़ा मोलोनॉइड और कोई नहीं। फिर क्या हुआ? मैंने सिर हिलाया और वो सब के सब डर के यहां से भाग गए। इसलिए मेरा ऑर्गेनाइजेशन मुझे यहां से बाहर निकाल के रहेगा। देखना, ये डर की बात है और इज्जत की भी। वो डर कर मुझे इज्जत देते हैं। वो मुसीबत बन सकता है क्योंकि एक शेन उसकी तरफ है। हमें सबको यहां से निकालना होगा। तैयारी करो। सुनो, मैंने कहा ना, अब जाओ यहां से। मुझे तो बस कुछ खाना है। आ,
मैंने कितने सारे पिज्जा खा लिए। देखो मेरा दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, मैं उसी के लिए आया हूँ। मैंने सुना है कि तुम ही हो जो मेरी जरूरत का शॉट मार सकते हो, बस इतना ही। तो किसी पचड़े में नहीं पड़ना, चले जाओ यहाँ से। मैं स्लिंगिंग छोड़ चुका हूँ हमेशा के लिए। तुम्हारे साथ क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, तुम एक बड़े हीरो थे, अचानक गायब हो गए। हीरो नहीं, बस एक टीवी शो वाला लड़का था और कुछ नहीं। मशहूर होने के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, मेरे डैड का नाम था विल शेन। क्या सच्ची? पहले क्यों नहीं बताया? इरादा बदल जाता क्या? नहीं तो ठीक है, सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया और अपना भी। रुको, मैं खुद वो शॉट नहीं मारूंगा, अगर इतना जरूरी है तुम्हें सिखा सकता हूँ। शेन के लिए सीखना आसान होगा, तुम एक अच्छे टीचर हो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 3 लार्ज पिज्जा बिना अनियन 30 मिनट में मिल जाएंगे। याद रखना 90% ट्रिक शूटिंग दिमाग से होती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पिज्जा। और क्या? अपने दोस्त के लिए कुछ भी करूंगा। ये क्या कर रहे हो? पिज्जा बना रहा हूं। रिलैक्स, ये बाद में करेंगे, पहले जरूरी है ऑर्डर को समझना, उसकी परतें। अपने दिमाग में प्लान करो। तुम बता सकते हो किसे देख रहा हूं? इंग्रेडिएंट्स को। गलत, मैं बना हुआ पिज्जा देख रहा हूं अपने दिमाग में। कुछ भी शुरू करते वक्त सबसे पहले अंजाम को अपने मन में तय कर लो। यहां पर हम क्या बना रहे हैं? 3 लार्ज पिज्जाज। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक साथ लाना जरूरी है। देखोगे इसे रिकोशे पिज्जा क्यों कहते हैं। कमाल है, पर उन्हें अनियन नहीं चाहिए था। गुड, तुम ध्यान दे रहे थे। अब 3 लार्ज पिज्जा बनाओ फुली लोडेड बिना अनियन। एक ही शॉट में पूरा पिज्जा बनाना है, रिकोशे पिज्जा, याद है? हाँ। ठीक है, चलो फिर से करते हैं। हाईटेक चीजें हमारे दिमाग की तरह खुद नहीं सोच पाती, हम इन्हें चलाते हैं, इन पर भरोसा होना जरूरी है। ठीक है, तो अब थोड़ी स्लिंगिंग करें, मतलब पिज्जा स्लिंगिंग। तो हाँ, बिना देखे पेपरोनी से हिट करो। कैसा किया? तुम्हें बस थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। सुधर रहे हो इलाय, पर तुम्हें रिलैक्स करना होगा। मुझे शूट करना कब सिखाओगे? वही तो कर रहे हो, बस इससे अनजान हो। एक ट्रिक शूटर का दिल है तुम्हारा, मैंने कभी किसी को अपने स्लग से इतना जुड़ा नहीं देखा, सिवाय मेरे। तो तुमने छोड़ा क्यों? मैंने ये किसी को नहीं बताया, मैं बहुत ही अच्छा कर रहा था, लगता था कुछ भी गलत नहीं होगा। शायद मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मुझे एक जॉब ऑफर हुई, मैंने इनकार कर दिया, शायद कुछ ऐसा कहा जो नहीं कहना चाहिए था। मुझे चुनौती दी गई, हारने पर मुझे हमेशा के लिए स्लिंगिंग छोड़ना था। मुझे लगा था मैं हार ही नहीं सकता, मैं गलत था। मुझ पर ऐसे स्लग का हमला हुआ जिसे मैंने कभी नहीं देखा था, उसे फिर कभी देखना भी नहीं चाहता। वो एक पिशाच था ना, तुम ब्लैक से लड़े थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वादे का पक्का हूं। और मैंने कहा था तुम्हें ट्रेन करूंगा, तुम और स्टंट सब समझ गए। Oh!
काफी अच्छा किया, हालांकि तुम एक्स्ट्रा चीज डालना भूल गए, पर तुम तैयार हो। डॉक्टर ब्लैक एक चीटर है, वो सौदे पर टिका नहीं रहता, तुम उसके कर्जदार नहीं हो। दुनिया को और मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, हम चलेंगे। सच्ची बढ़िया, पर शॉट तुम ही मारोगे। अच्छी खबर है, मैंने ट्रेनिंग ले ली और अपने साथ मारियो ब्रावाडो को भी ले आया। ये तुम ही हो। वाव, तुम मारियो ब्रावाडो ही हो। तुम्हें अपना एपिसोड नंबर 56 याद है, जब तुमने उस स्लग को ऐसे शूट किया था कि वो स्लग। गॉड, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा मारियो, अच्छी जैकेट है। इलाई, एक बुरी खबर है, वो जा रहे हैं अभी। मैंने ये प्लान नहीं किया था, जेल से निकालने के लिए मेरा एक ट्रिक शॉट का प्लान था। तुम कर सकते हो, सारे इंग्रेडिएंट्स लाओ, एक पिज्जा बनाने जैसा आसान है ये। वो पिज्जा बना रहे थे। दोस्तों, हमें चलना चाहिए, काफी दिन हो गए दोस्त। स्लिंग करोगे? तुम ब्लैक से नहीं डरते तो मुझे भी डरने की जरूरत नहीं। रिटायरमेंट से बाहर आने का वक्त आ गया है, पर शॉट तो तुम ही मारोगे। हाँ, कोड, उस ट्रेन को पकड़ो। शेन गैंग, तेज चलाओ। वो आ गए, मुझे छुड़ाने आ गए। दूसरा आदमी कौन है? ये प्रॉन्टो तो वाकई में एक बॉस है, और तो और उसकी गैंग में मारियो ब्रावाडो भी है। हाँ बिल्कुल, मैंने ही तो मारियो ब्रावाडो को सब सिखाया है। मारियो, इलाय, आगे मुसीबत है। जैसे ही एक्सप्रेस सुरंग में जाएगी, हम उनका पीछा नहीं कर पाएंगे, देर हो जाएगी। ट्रिक शॉट, इन गार्ड्स को हराना है, चाहे जो भी हो, प्रॉन्टो को छुड़ाना है। कोर्ट, तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो, ट्रिक्सी तुम स्पॉटिंग करो। दो गार्ड्स हैं ट्रेन के ऊपर। वो शॉट देखा, ज्यादा मत उड़ो। वो सुरंग जल्दी पास आ रही है। मेरे ख्याल से उन्होंने स्पीड बढ़ा दी। और चार गार्ड्स बाकी हैं, और हमें कैदियों को भी छुड़ाना है। शुरू हो जाओ, दिखा दो तुम क्या कर सकते हो। वो सुरंग के पास है। नहीं, हम उन्हें ट्रेन से कैसे उतारेंगे, वक्त नहीं है। टोरंटो के डिब्बे को ट्रेन से जोड़ने वाली वो क्रेन, हमें उसे निकालना होगा। एक ही शॉट में पिन और स्विच दोनों को निकालना नामुमकिन है। नहीं, याद रखो मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। इंग्रेडिएंट्स ढूंढो, परतें बिछाओ, उसे प्लान करो। तो स्टंट्स चलो हो जाए। देखा तुमने, बिग बॉस प्रॉन्टो ने ये सब करवाया।
अभी मुसीबत टली नहीं है। गोल डिब्बे के करीब लो मारियो, अब सब तुम पर है दोस्त, सब एक तरफ हो जाओ। बढ़िया शॉट, सब वहां से बाहर निकलो। चलो ज्यादा वक्त नहीं है। अरे नहीं, इसे कहते हैं पिज्जा स्लिंग करना। सही कहा बच्चे, ये पिज्जा का नाम सुनकर ही मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। एक्स्ट्रा चीज। जेल की जिंदगी तो बहुत ही मुश्किल थी और खाना तो खाने लायक नहीं था। फ्रांटो, तुम सिर्फ 2 दिन जेल में थे, फिर भी बच गया। तुम्हारे ट्रिक शॉट्स बेस्ट हैं। कभी कमबैक का इरादा हो तो हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत होगा। थैंक्स, पर अभी मैं पिज्जा ही स्लिंग करना पसंद करूंगा। क्या पता किसी दिन शायद आ जाऊं। हमने प्रॉन्टो को तो बचा लिया, जज लोगन का क्या करना है? उसी के जाल में फंसाएंगे।